चैतन्य महाप्रभु का प्राकट दिवस गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम रोज़ सुबह और शाम चैतन्य महाप्रभु की लीलाएँ गौर लीलाओं को चर्चा कर रहे हैं। सुबह हम तत्व का चर्चा करेंगे, चैतन्य तत्व का। अभी संध्या के समय में चैतन्य महाप्रभु का जो अंत लीलाएँ हैं, यानी चैतन्य चरितामृत का जो अंत लीला में खास करके चैतन्य महाप्रभु का रूप गोस्वामी के साथ संवाद, चैतन्य महाप्रभु का सनातन गोस्वामी के साथ मिलन, इसके ऊपर ध्यान देते हुए गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु की कुछ अद्भुत लीलाओं के विषय में भी हम चर्चा करेंगे अगले 5 दिन तक। तो अंत लीला को हमने क्यों चुना? आप बोल सकते हो चैतन्य महाप्रभु प्राकट है, शुरुआत से है, बाल लीलाओं से शुरू करना चाहिए, जन्म लीला वगैरह। प्रायः हर गौर पूर्णिमा को भक्त ये शुरुआत के महाप्रभु के जो बाल लीलाएँ हैं और कुछ लीलाएँ हैं, रूप शिक्षा इत्यादि श्रवण करते हैं, लेकिन अंत लीला को लोग तक पहुंच नहीं पाते, श्रवण नहीं किए होंगे, बहुत कमी लोग उसको पढ़े होंगे। मैंने सोचा इसका परिचय दें। उसका विशेषता ये है, चैतन्य महाप्रभु जिस चीज़ को सारे जगत को प्रकाशित करने के लिए आए, वो चीज़ चैतन्य महाप्रभु ने आखिरी 18 सालों में उन्होंने जगन्नाथपुरी में प्रकाशित किया। तो जगन्नाथपुरी में जो चैतन्य महाप्रभु का आखिरी जो 18 सालों की जो प्रकट लीला है, बड़ा अद्भुत लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी को क्यों चुने, ये एक विशेष तत्व, अपने आप में एक विशेष तत्व है। चैतन्य महाप्रभु का 48 साल का प्रकट लीला रहा, उसमें पहला जो 14 साल है वो संन्यास के पहले की जो लीलाएँ हैं, और उसके अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु, वैसे जन्म उनका प्राकट्य हुआ मायापुर में, फिर उनका सबसे पहला यात्रा निकली पश्चिम पूर्वी बंगाल, विवाह के बाद, लक्ष्मी प्रिया के विवाह के बाद। उसके बाद गया जाके आए, गया की यात्रा हुई। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु संन्यास देने के बाद जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी के बाद चैतन्य महाप्रभु का प्रायः दो साल का दक्षिण भारत की यात्रा रहा, और चैतन्य महाप्रभु उसके बाद वापस उन्होंने उत्तरी भारत यात्रा पूर्ण किया। उत्तरी भारत यात्रा करते वृंदावन, बीच में एक बार बंगाल भी जाके आए, बाद में वृंदावन भी जाके वापस आए। तो ये 6 साल का चैतन्य महाप्रभु का भ्रमण रहा, 2 साल का दक्षिण भारत की यात्रा, 24 साल में संन्यास, उसके बाद 2 साल का उनका दक्षिण भारत की यात्रा, उसके बाद बीच में 1 साल बंगाल की यात्रा, उसके वापस 1-1.5 साल तक उनका उत्तरी भारत की यात्रा, तब तक उनका 30 साल हो गया चैतन्य महाप्रभु का प्रकट लीला का। वो आखिरी जो 18 साल की जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट लीला है, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। तो ये जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे थे, उस समय बंगाल से बहुत सारे भक्त महाप्रभु से मिलने के लिए आया करते थे, और वो बड़ी यात्रा थी, अद्भुत यात्रा थी। जैसे रथ यात्रा का बहाना था रथ यात्रा का दर्शन करना, लेकिन वास्तविकता में चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने का इच्छा थी। और उस समय कोई हवाई जहाज, ट्रेन, बस, कार इत्यादि नहीं थे, तो सभी लोग पैदल ही वो यात्रा में आप निकल पड़ते थे। और उस यात्रा का नेतृत्व करने वाले कौन थे? शिवानंद सेन। तो अभी ये जो अंत लीला का प्रथम अध्याय, इस लीला से प्रारंभ होता है। चैतन्य महाप्रभु ने शिवानंद सेन के साथ आया हुआ एक कुत्ते को भी उन्होंने उद्धार किया। तो वैसे कलयुग में सभी कुत्ते कुत्ते भी अच्छे समझ लो, ठीक है, हाँ, वो वैसी अवस्था में हैं। तो महाप्रभु का कुत्ता बन जाओ, प्रसन्न करो महाप्रभु को, उद्धार करते। महाप्रभु ने 2 कुत्तों को उद्धार किया अपनी लीला में। एक बाल लीला में कुत्ता पसंद आ गया, उसको पकड़ के घर में लेके आए, तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा उनके पिता, अरे क्या कर रहे हो तुम, कुत्ते को घर में रखते हो, हम ब्राह्मण है, कुत्ते को नहीं रखना चाहिए। तो महाप्रभु को पसंद आ गया कुत्ता, क्या करे, छोटा से निमाई।
तो अचानक का कुछ कारण से क्या हुआ, कुत्ता वो बाज़ार में चला गया और नाम संकीर्तन करते करते एक विमान आया वैकुंठ से और उसको कुत्ते को लेके गए। ठीक है, वैसे ही दूसरा कुत्ता जो है महाप्रभु ने उनको उद्धार किया, इधर शिवानंद सेन का यात्रा में आया हुआ कुत्ते को उद्धार किया, उस लीला से प्रारंभ होता है। लेकिन उसके अंदर प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा एक परिचय देना चाहता हूँ चैतन्य महाप्रभु के संगियों का, खास करके रूप सनातन का। और चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं किस किस को दिया और उनके प्राकट्य के पीछे उद्देश्य क्या है। चैतन्य महाप्रभु को प्राकट्य के पीछे अनेक उद्देश्य है, लेकिन सारमठाचारी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक में कहा कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधैर्यस्तमहं प्रपद्ये। कृपाम्बुधैर्यस्तमहं प्रपद्ये, मैं वैसे कृपा के अम्बुदी, कृपा के सागर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जो शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण, वही पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए और किसके लिए आए, शिक्षार्थम, शिक्षा प्रदान करने के लिए आए। कौन सी शिक्षा? भक्ति योग की शिक्षा। कौन सा किस प्रकार का भक्ति योग? वैराग्य विद्या के आधार में जो भक्ति है उसको। वैसे गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत, गौड़ीय वैष्णव का पंथ क्या है? वैराग्य पंथ है। अगर कोई आपको कोई विद्वान, कोई मठवासी विद्वान, कोई संत होगा मठाधीश, जब आपसे पूछता है कि आप कौन से पंथ के हो, तो आपको जवाब देना चाहिए हम वैराग्य पंथ के हैं। तो चैतन्य संगीगण वैराग्य प्रदान, वैराग्य प्रदान है, अद्भुत वैराग्य चैतन्य महाप्रभु संगियों का। चैतन्य महाप्रभु धारा मतलब वैराग्य। तो वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, ये जो भक्ति योग है वैराग्य का भक्ति योग, वैराग्य पंथ वाला भक्ति योग है, इसका शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए। तो उन्होंने शिक्षा दिया, किन किन को शिक्षा दिया? उन्होंने शिक्षा दिया रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा दिया, सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा दिया, सारमठाचार्य को शिक्षा दिया और सारमठाचार्य के प्रकाशान से शिक्षा दिया और अंततः उन्होंने सारे जगत को शिक्षा प्रदान किया। किसके द्वारा? रामानंद राय के द्वारा। ये पांच लोगों के साथ चैतन्य महाप्रभु का संवाद है, ये बड़ा अद्भुत संवाद है, क्योंकि इस संवाद के द्वारा सारे वैदिक शिक्षा उन्होंने बहुत सरल भाषा में दिया। इसलिए ये अंतलीला का जो पहला अध्याय है, ये शुरू होता है एक बड़ा सुंदर श्लोक के साथ। पंगुम लंगायते शैलम मूकम आवर्तयच्च श्रुतिम यत्कृपा तमहम वंदे कृष्ण चैतन्य ईश्वरम। कृष्ण चैतन्य ईश्वरम, मैं उस कृष्ण चैतन्य ईश्वर को मैं वंदे प्रणाम करता हूँ, यद कृपा इन जिनकी कृपा से पंगुम लंगायते शैलम। पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति भी क्या करता है, बड़ा सा पहाड़ को लांग के चले जा सकता है, लेकिन कभी कभी भक्त लोग सोचते, कभी मैं भी सोचता हूँ, अगर मान लो कि मैं महाप्रभु के आंदोलन में नहीं आता तो मुझे कौन सुनता बताओ कोई सुनता क्या? कुछ नहीं, कोई कुत्ता भी नहीं सुनता है कि नहीं तो कुत्ते के बाद वो भोग भोग के भगा देता है कि नहीं? तो कभी कभी आश्चर्य होता है, मन में आता है कि लोग सुनते हैं, किसकी कृपा बताओ। हाँ, अभी मुझे याद है कि जब मैं इस्कॉन ज्वाइन किया था, हिंदी का एक लाइन, एक वाक्य बोल नहीं पा रहा था, अभी हिंदी में भागवत कथा हो पा रही है। तो ये सब कैसे हो सकता है बताओ? ये महाप्रभु कृपा है, महाप्रभु कृपा से असंभव भी संभव होता है, और चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं है तो संभव भी असंभव हो जाता है। तो ये विशेषता है महाप्रभु कृपा का। पंगुम लंगायते शैल मूकम आवर्तते श्रुतिम, मूक व्यक्ति भी वो श्रुतियों का, वेदों को उच्चारण करने लग जाता है। यत कृपा, तो चैतन्य महाप्रभु कृपा से, यानी चैतन्य में कृपा का अर्थ क्या, उनकी शिक्षाओं से जो रूप गोस्वामी वो सनातन गोस्वामी पाद को दिया, उससे व्यक्ति जो है वो ये पांच लोगों को जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया, सारे वैदिक शास्त्रों का जो मर्म है उन पांच लोगों की शिक्षा में है। तो वैदिक शास्त्रों में तीन प्रकार का ज्ञान है, संबंध, विधेय, प्रयोजन।
संबंध ज्ञान जो है चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के साथ संवाद के द्वारा दिया, और अभिधेय ज्ञान जो है चैतन्य महाप्रभु रूप संवाद में दिया, और प्रयोजन तत्व का प्रकाश चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के मुख से कराया, और संबंध विचार जो है चैतन्य महाप्रभु ने सर्वदचारी का जो संवाद के द्वारा कराया, और अभिधेय विचार जो है चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती के संवाद के द्वारा उन्होंने कराया। तो ये संबंध अभिधेय प्रयोजन संबंध विचार और अभिधेय विचार, ये पांच जो संवाद से हमको प्राप्त होता है। ये संबंध है क्या? संबंध ज्ञान करते हैं कृष्ण के साथ मेरा संबंध क्या है, कृष्ण के साथ मेरा इस जगत के साथ संबंध क्या है, और कृष्ण का इस जगत के साथ संबंध क्या है। ये तीन प्रकार का संबंध ज्ञान है, क्योंकि तीन हो हैं चित्त अचित ईश्वरा, यानी मैं चित्त यानी कॉन्शियस लिविंग एंटिटी एक जीव हूँ, और ये जगत है और भगवान है। तो इन तीनों के बीच में परस्पर संबंध है। इस संबंध को जानना कि मेरा संबंध भगवान कृष्ण के साथ में ही है और मैं उनका दास हूँ, इस जगत के साथ मेरा संबंध नहीं है। जब तक इस जगत के साथ संबंध बना के रखता हूँ तब तक मैं एक दुखों का अनुभव करता हूँ। भगवान इस जगत को सृष्टि करते हैं ताकि जीव को एक मौका मिले, मुझे एक मौका मिले उनका, मैं उनका दास हूँ करके समझने के लिए। तो ये इसको संबंध ज्ञान कहा गया है। संबंध ज्ञान का प्रकाश चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के द्वारा कराया, और जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, ये बात चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा। और दूसरा संवाद आता है चैतन्य महाप्रभु का, वो है रूप संवाद। रूप गोस्वामी के साथ में चैतन्य महाप्रभु ने अभिधेय ज्ञान को प्रकाशित किया। अभिधेय ज्ञान क्या है? मेरा कृष्ण के साथ जो भूला हुआ संबंध है उसको पुनस्थापन करने की विधि, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य मातनिधि नवधा भक्ति, जो प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा, वैसे रूप गोस्वामी बाद को चैतन्य महाप्रभु 64 अंगों का वर्णन करते हैं। तो ये 64 अंग जो है वो रूप शिक्षाएं प्राप्त होता है, रूप गोस्वामी प्रदान किया। भक्ति, भक्ति विधेय, और अंततः प्रेम। ये भक्ति क्यों कर रहे हैं, साधना भक्ति क्यों कर रहे हैं? प्रेम की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए। कृष्ण प्रेम क्या है? प्रयोजन। तो खास करके अंत लीला में चैतन्य महाप्रभु का रूप गोस्वामी के साथ में जो अभिधेय ज्ञान दिया था प्रयाग में, लेकिन दूसरी बार मुलाकात हुआ चैतन्य महाप्रभु का रूप गोस्वामी पाद के साथ में, कहाँ हुआ? जगन्नाथपुरी में हुआ दूसरा मुलाकात। ऐसे देखा जाए तीसरा मुलाकात, पहला तो रामकेली में हुआ, बाद में दूसरा हुआ प्रयाग में, और तीसरा जो मुलाकात चैतन्य महाप्रभु का रूप गोस्वामी साथ हुआ जगन्नाथपुरी में। उधर अभिधेय तत्व का सार उसको प्रकाशित किया लीला के द्वारा। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का सनातन गोस्वामी के साथ मुलाकात हुआ जगन्नाथपुरी में, वो भी तीसरा मुलाकात। उधर संबंध तत्व का उन्होंने प्रकाशित किया, और संबंध तत्व का सार को प्रकाशित किया, और अंततः चैतन्य महाप्रभु स्वयं राय रामानंद स्वरूप दामोदर के साथ में उन्होंने रात भर क्या अनुभव किया, किस प्रकार महाप्रभु विरह भाव में, महाभाव को अनुभव करते हुए कृष्ण प्रेम की विरह में किस प्रकार उन्हें व्यथा को अनुभव किया, उसका वर्णन हमको गंभीरा में लीलाओं में प्राप्त होता है। तो ये खास करके ये अंतलीला का मुख्य विषय है। चलिए हम कुत्ते का उद्धार कैसे किया उस लीला से शुरू करेंगे। तो रूप गोस्वामी पाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि दुर्गमे पतिमे अंधस्या, मैं अंधा हो चुका हूँ, मेरा रास्ता जो है दुर्गम है, और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा जो स्कलात पादा गतेर मुह हो, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा पैर जो है लड़खड़ा रहा है। स्वकृपा यस्तिदाते न, तो कृपा चैतन्य महाप्रभु कृपा से, तो मैं चैतन्य चरितामृत को लिखने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, खास करके मैं संतों से, बड़े संतों से मैं याचना करता हूँ, तो मुझे आप ऐसे एक लकड़ी दो, आपकी कृपा नामक लकड़ी दो, ताकि मुझे एक सहारा मिले चलने के लिए।
तो श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ त्रिजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ते चय गुरु गौर गुरु रा करुण चरण वंदन या है ते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। तो पहले जो चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य है षड गोस्वामी गुण को स्मरण कर रहे हैं, क्यों? गुरुओं का स्मरण करने से हमारे जीवन में विघ्न नाश होते हैं, यहाँ विघ्ननाश अभीष्ट पूरण दोनों होते हैं। विघ्न नाश होता है, अभीष्ट की पूर्णता भी प्राप्त होती है। तो इसलिए वो तीन श्लोकों को उच्चारण करते हैं जो तीन तत्व के अधिदैव है। तीन तत्व क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध तत्व के अधिदेव अधिष्ठात देवता कौन है? अधिष्ठात स्वरूप कौन है? राधा मदन मोहन। और अभिधेय के अधिष्ठाता देव कौन है, अधिदेव कौन है? वो है राधा गोविंद जी। और प्रयोजन के गोपीनाथ। इन तीनों का अपरंतर उच्चारण करते हैं। जयताम सुरतोर पंगुर महामंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो। इधर कौन सा विग्रह आ रहे प्रभु जी? इधर राधा माधव आ रहे। चलो हाँ, राधा माधव पंचतत्व, अच्छा मायापुर खड़ा कर रहे हो, चलो हाँ राम दरबार, हाँ ठीक है, अच्छा है। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो प्रष्ट्रालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। ये अभिधेय तत्व का अधिदेव है। और श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तट स्थितः कर्षण्वेण सुनेर गोपीर गोपीनाथः श्रीयसुना। गोपीनाथ जी कौन है? प्रयोजन तत्व की अधिदेव है, उनका प्रणाम मंत्र है। उसके बाद जय जयकार करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। उन्हें कहा मद्रीला संक्षेपिते करिलनु वर्णन, अंतरीला वर्णन किच्चु सुनो भक्तगण। मैंने मद्रीला में संक्षिप्त में वर्णन किया हूँ, अभी ये भक्तगण सुनो, अंतरीला का वर्णन करना प्रारंभ करता हूँ तो आप उसका सुनिए। मध्यलीला मध्य आंतलीला सूत्रगण पूर्व ग्रंथे संक्षेपिते करियाचे वर्णन। पहले मैंने पहले ही अंतलीला का कुछ चीज़ों को संक्षिप्त में वर्णन किया हूँ, अभी मैं विस्तार से वर्णन करना चाहता हूँ। वैसे तो मेरा भी बहुत ही वृद्ध अवस्था हो चुका है, मैं कोई भी किसी भी क्षण में अपना प्राण त्याग कर सकता हूँ। इससे मैंने अंतलीला के जो बातें हैं पहले वर्णन कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। पूर्व लिखित ग्रंथ सूत्र अनुसारे पहले मैंने ग्रंथ का सूत्र के अनुसार मैं अभी वर्णन करूँगा, थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करना प्रारंभ करता हूँ। जब वृंदावन से चैतन्य महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी लौटे तो क्या हुआ? स्वरूप गोस्वामी गौड़े वार्ता पटाइला। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने क्या किया? स्वरूप दामोदर ने तो बंगाल में वार्ता पहुंचाया, देखो महाप्रभु आ गए, इधर कहाँ बंगाल आ गए, तो अभी आप हर साल आना प्रारंभ करो। क्योंकि भले ही जगन्नाथ रथ यात्रा होता था जगन्नाथपुरी में, बंगाल के लोग जगन्नाथ रथ यात्रा में भागने के लिए नहीं आते थे, महाप्रभु को दर्शन करने के लिए आते थे, महाप्रभु से मिलने के लिए आते थे। देखिए जब आप मंदिर भी आते हो ना, उत्सव में आते हो, भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं, भक्तों के लिए आते हैं। इसलिए आप प्रचार नहीं करोगे तो भक्त लोग आएंगे नहीं, लोग आएंगे नहीं, लोग आते हैं मंदिर में भक्तों के लिए आते हैं। तो देखिए कर पहुँचाया, देखो दो साल से आप आए नहीं हो ना रथ यात्रा में, अभी जगह महाप्रभु आ गए तो आप आ जाना। कुलीना ग्रामी भक्त आरयत गंडवासी आचार्य शिवानंद सने मिलित सबासी। तो कुली ग्राम से श्रीखंड से यथार रूप में सारे भक्त जो है वो शिवानंद सेन के पास आए। शिवानंद सेन ने पूरा यात्रा का आयोजन किया और उनके जहाँ जहाँ रास्ते में रुकने का जो व्यवस्था है, भोजन का व्यवस्था है, सब कर रहे हैं। जो भी भोजन का व्यवस्था उन्होंने किया और उनको उन्होंने अपने खुद के पैसे से भी खर्चा किया। एक बार क्या हुआ, तो उनको उड़ीसा में एक नदी को पार करना हुआ, तो उधर एक नाविक था बोट चलाने वाला, ये शिवानंद के साथ में सभी लोग आए, उनके साथ में कुत्ता भी चल के आया बंगाल से, तो उसके साथ साथ में चल रहा था, वो भी साथ में रुकता था, साथ में उनको खाना भी देते थे। जब उनको नदी पार करना होगा
नदी का आर पार करना था, सभी लोग नाव में चढ़ गए, लेकिन कुत्ता जब आया नाव में चढ़ने के लिए, उधर का जो नाविक कहता है कुत्ते को अलो नहीं करूँगा मैं कुत्ते को मैं नाव में बैठाऊँगा नहीं। तो बेचारा शिवानंद कुत्ते को देख के छोड़ना पड़ रहा है कि शिवानंद सिंह बहुत दुखी हो गए, कुकुर और हिला शिवानंद दुखी दुखी होला, शिवानंद सिंह बहुत दुखी हो गए। हाँ दाशा पाना कड़ी दिया कुकुरे पारा कैला। हाँ तो उन्हें कहा देखो नहीं उसको ऐसा छोड़ नहीं सकता, तो मैं 10 और आपको पैसे देता हूँ, तुम इस कुत्ते को लेके आओ। तो ऐसा पार कराया। एक दिन शिवानंद घाटी आए ले रहा किला। तो एक दिन शिवानंद सेन उधर का जो एक चुंगी वाला था, टोल टैक्स वाला, तो रुका दिया। तो उनका जो सेवक है वो कुत्ते को खाना देना भूल गया था। तो रात को शिवानंद सेन जो है वो आया, वो आए देखने के लिए, तो प्रसाद ले रहे थे। तो पूछा उनके सेवक से, क्या तुमने उस कुत्ते को दिया खाना दिया? तब कुकुर नहीं पाए बड़ा सुनी दुख कहिला। देखो यात्रा का ऑर्गेनाइजर कैसा होना चाहिए। उनके साथ में कुत्ता भी चल रहा है, शिवानंद सिंह खा रहे प्रसाद ले रहे। तो उन्हें पूछा कि कुत्ते को दिया क्या? तो उन्हें कहा नहीं नहीं दिया। तो उन कुत्ते को बहुत दुखी हुआ। तो दुखा कुत्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था, कहाँ कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा था। 10 लोगों को भेजा, कहाँ देखो कुत्ता देखो ढूंढ के आओ। तो ढूंढ ढूंढ के आए, फिर भी कुत्ता नहीं मिला। शिवानंद सेन बहुत दुखी हो गए और उन्हें क्या किया, उपवास करना प्रारंभ किया। अगले दिन सुबह वापस कुत्ते को ढूंढने गए, तो जहाँ जहाँ गए कुत्ता वो मिला नहीं। तो सारे वैष्णव जो है वो बड़े अचंभित हो गए। तो उनके मन में बहुत सारा चिंता थी, वो कुत्ता कहाँ गया, कुत्ता चला गया कहाँ है। तो सभी भक्त जगन्नाथपुरी पहुँचे। चैतन्य महाप्रभु अटरनाला के पास उन भक्तों को स्वागत करते थे। रो जब भी आते थे स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से उनके हर भक्त को माला पहनाते थे, हर भक्त को चंदन अर्पण करते थे महाप्रभु। पूर्वत्वे सवारा प्रभु पटाइला वासा स्थाने। तो चैतन्य महाप्रभु ने आपको अब सबको अपने अपने स्थान में रहने का कमरे में भेज दिया। प्रभु थानी प्रातः काले आइला आइला आराधिने। अगले दिन जो है सभी भक्त जो है महाप्रभु से मिलने के लिए आए। तब भक्तों ने देखा चैतन्य महाप्रभु, दर्शन किया, तो दूर से वो भक्तों ने देखा महाप्रभु बैठे हुए हैं और थोड़ा दूर में वही कुत्ता बैठा हुआ है जो उनके साथ में आया था। चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे उस कुत्ते को, उधर उन कुत्ते को जो नारियल जो है तोड़ तोड़ के वो फेंक रहे थे उनके कुत्ते के पास, वो और मुस्कुरा रहे थे चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु नारियल टुकड़े कुत्ते को दे रहे थे और कह रहे थे महाप्रभु कुत्ते को, क्या कहा उन्होंने, हे कुत्ता हरि कहो, रामकृष्ण हरि कहो, रामकृष्ण हरि कहो। बोले नो हसीला, बोलते बोलते हंस रहे थे। तो देखा कि वो कुत्ता जो है वो नारियल के टुकड़े खा रहा है और क्या कर रहा है कुत्ता, कृष्ण कहे बार बार वो कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण नाम ले रहा था। देखिया लोके मनो हैरे चमत्कार, चैतन्य महाप्रभु ने उस कुत्ते के मुख से कृष्ण का नाम उच्चारण कराया और सारे जितने भी लोग थे एकदम बिल्कुल चमत्कृत हो गए। शिवानंद कुकुर जो कि दंडवत कैला तो शिवानंद सेन ने क्या किया, उस कुत्ते को देख के दंडवत किया, दैन्य करी निज अपराध क्षमाइला, मैंने अपराध कर दिया आपके प्रति, कुत्ते को कहा मुझे क्षमा करो मुझे क्षमा करो। आर दिन केह तार देखा ना पाइला। अगले दिन जो है कोई उस कुत्ते को देख नहीं पाया, क्यों मालूम है, सिद्धा देह पाना कुकुर वैकुंठे ते गिला। तो महाप्रभु के हाथ से जो लोग दिया हुआ चीज़ जो खाता है स्वयं महाप्रभु के हाथ से, उनको क्या गति होगा, देखो कुत्ता को भी क्या मिला, हाँ सिद्ध देह प्राप्त हुआ। ऐसे दिव्य लीला करे सचिरानंदन,
चैतन्य महाप्रभु ऐसी दिव्य लीला कर रहे हैं, कुकुरे के कृष्ण का कहा न करिला मोचन, एक कुत्ते के मुख से कृष्ण का नाम को उच्चारण कराया और चैतन्य महाप्रभु उस कुत्ते को उद्धार किया। ये तो प्रभु आज्ञाएं रूप आइला वृंदावन, कृष्ण लीला नाटक करिते होइला मन मने। अभी सीधा रूप गोस्वामी के पास जा रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। रूप गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, उसके बाद तुम मुझसे मिलने आना। तो चैतन्य महाप्रभु आदेश को पूरा करने के लिए रूप गोस्वामी पाद ये तो प्रभु आज्ञा रूप आइला वृंदावन, कृष्ण लीला नाटक करिते हैला मन। तो रूप गोस्वामी पाद को मन में था कि मैं कृष्ण लीला का नाटक का वर्णन करूँगा। वृंदावने नाटक आरंभ कैला मंगलाचरण नंद शोकी था ते लिखिला। तो रूप गोस्वामी पाद अभी एक नाटक की रचना कर रहे हैं, नांदी श्लोक को उन्होंने रचना करना प्रारंभ किया। तो नांदी श्लोक का अर्थ क्या है, जो परिचय देने वाला नाटक का परिचय होता है उसको नांदी श्लोक कहा जाता है। फोटे चिला तो रूप गोस्वामी पाद आ रहे हैं, ड्रामा को कैसे रचना करना है सब कुछ कर रहे हैं, वो नोट्स लिखना है प्रारंभ किया। रूप गोस्वामी पाद के साथ में उनका जो भाई है अनुपम भी आ रहे हैं, और उनको कुछ काम था बंगाल में, बंगाल होते हुए जगन्नाथपुरी जाना था, वृंदावन से बंगाल होते हुए जगन्नाथपुरी जाना था। तो क्या हुआ बंगाल में, तो अनुपम उनका मृत्यु हो गया। अनुपम कौन है, अनुपम या श्री वल्लभा ये उनके भाई है, और उसके पुत्र कौन है, जीव गोस्वामी पाद है। ठीक है, तो रूप गोस्वामी पा प्रभु पक्षे कैला ग्रमन, तो वापस महाप्रभु का कुछ मृत्यु थोड़ा समय लगा, तो महाप्रभु से मिलने के लिए बड़े आतुरता के साथ बंगाल से वो निकल पड़े जगन्नाथपुरी महाप्रभु से मिलने के लिए। तो रात को एक जगह रूप गोस्वामी को रुकना पड़ा उड़ीसा में, उस गांव का नाम है वो है सत्यभामापुर। तो सत्यभामापुर में रात को रुके रूप गोस्वामी पाद। रात्र में क्या हुआ, एक स्वप्न आया रूप गोस्वामी पाद को। उस स्वप्न में एक दिव्य रूपी नारी वो थी, और सन्मुखे आसिला आज्ञा दिला बहु कृपा करी। तो बड़े कृपा से वो जो देवी है रूप गोस्वामी पाद को उन्होंने आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया, हमारा नाटक पृथक कर हरचन, हमारा कृपा ते नाटक हो भे विलक्षण। वो कोई और नहीं जो सत्य में आए, कौन है वो, सत्यभामा है। स्वयं सत्यभामा ने रूप गोस्वामी पाद को कहा कि मेरा जो नाटक है, यानी जो मेरे साथ जो कृष्ण का जो लीलाएं हैं, वो लीला यानी द्वारका लीला जो हैं उसको अलग करके अलग ग्रंथ में रचना करो, और वृंदावन का जो लीलाएं हैं कृष्ण के साथ, राधा रानी का कृष्ण के साथ जो लीलाएं हैं उसको अलग करके रचना करो। तब रूप गोस्वामी ने सोचा ये जो ग्रंथ है इसकी जो आज्ञा जो है, दो ग्रंथों में कृष्ण की वृंदावन लीला अलग द्वारका लीला अलग करके रचना करने का जो आज्ञा है स्वयं सत्यभामा ने दिया करके मान लिए, क्योंकि कृष्ण वृंदावन के जो कृष्ण हैं वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं, और द्वारका के कृष्ण कौन हैं, हाँ वो वासुदेव कृष्ण हैं। वो भले ही एक ही हैं लेकिन दो स्वरूप है। वृंदावन में कृष्ण की जो लीला कैसे हैं, वो माधुरी में लीलाएँ हैं, और द्वारका में कृष्ण की लीला कैसे हैं, वो ऐश्वर्य लीलाएँ हैं। हाँ व्रजपुर लीला एकत्र करियाचे गठन, दुई भाग करिए भी करी नुरचन। तो मैं सोच रहा था कि कृष्ण की लीलाएं सारे एक ही ग्रंथ में रचना करूंगा, अभी मैं क्या करूंगा, मैं द्वारका का लीला अलग रखूंगा और वृंदावन की लीलाओं को अलग करके रखूंगा। ऐसा सोचते सोचते चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुँचे। सीधा रूप गोस्वामी बाद कहाँ पहुँचे, जहाँ हरिदास ठाकुर रुके हैं सिद्ध बकुल, उधर पहुँचे। बड़े प्रेम के साथ और बड़े कृपा से हरिदास ठाकुर ने रूप गोस्वामी बाद कहा, हाँ चैतन्य में आपने कहा था कि तुम आने वाले हो, तुम ही आसीबे मोरा प्रभु ये कैला, हाँ तुम आने वाले हो। अभी देखो महाप्रभु अभी आने वाले हैं। उपल भोग देखी हरिदास हेरा देखिते, तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो रोज़ हरिदास ठाकुर से मिलने आते थे। तो उपल भोग का दर्शन करके उसी समय कौन आए, चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए।
दूर से चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते ही रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया, दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत जैसे प्रणाम किया, दंडवत किया, हरिदास ठाकुर ने कहा महाप्रभु को, क्या कहा कि प्रभु ये कौन है देखा दंडवत कर रहा है, देखो ये रूप गोस्वामी आपको दंडवत कर रहा है। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को उठाया, उठा के महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को आलिंगन किया। हरिदास रूप लेन प्रभु वसीला एक स्थाने, चैतन्य महाप्रभु बैठे हरिदास प्रभु और रूप गोस्वामी को साथ में बैठ के एक ही जन्म। तो उन्हें पूछा कि कुशल प्रश्न इष्टगोष्ठी कैला कत क्षण, इष्टगोष्ठी किया, पूछा कैसे हो, सब ठीक है कि नहीं, हाँ वहाँ बातचीत हुआ। तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद के विषय में पूछा, सनातन गोस्वा वार्तवे गोसाई पूछिला रूप कहे तार संगे देहा ना हिला। रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं सनातन गोस्वामी से मिला नहीं, मैं सीधा इधर आ गया हूँ। अमी गंगा वत आई नू तीनों राजपटे, तो मैं तो गंगा के तट से तट से निकल पाया, वो तो राज मार्ग से आए इसलिए हम दोनों का मुलाकात नहीं हुआ। तो उन्हें कहा प्रयाग सुनो ते हो गेला वृंदावन, हाँ प्रयाग में सुना था कि आप वृंदावन गए हो। रूप गोस्वामी पाद ने कहा हाँ कि अनुपम जो है मेरा जो भाई है उनका देहांत हो गया। तब रूप तहाँ वास दिला गोसाई चले, तो चैतन्य महा रूप गोस्वामी पाद को उनको जय स्थान दिया। और जितने भी महाप्रभु के संगीगण थे वो सब महारूप गोस्वामी पाद से उनका मुलाकात हुआ। आर दिन महाप्रभु साव भक्त लना, और एक दिन की बात है चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को लेके आए। रूप मिलाइला सवारा कृपाता करिया, रूप गोस्वामी को मिलाया सारे भक्तों को, सारे भक्त हाँ सारा चरण रूप कैला वंदन। रूप गोस्वामी पाद ने चैतन्य महाप्रभु के संगियों के सारे भक्तों के चरणों को प्रणाम किया। कृपा करी रूप सबे कैला आलिंगन, रूप गोस्वामी पाद कृपा करते हुए सभी लोगों ने रूप गोस्वामी पाद को आलिंगन किया। अद्वैत नित्यानंद तुम्हार दुई जन, प्रभु कहे रूप कृपा करे काए मन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु को, देखो आप दोनों को रूप गोस्वामी पाद की ओर कृपा करना चाहिए। हाँ तुम्हार द्वारा कृपा ते यहाँ रा हो तई च शक्ति, तो आप दोनों कृपा से जो है उनको शक्ति प्राप्त होगा। हाँ याते वर्तिते प्राणेर कृष्ण रस भक्ति, तो आपको आपका कृपा प्राप्त होगा तो रूप गोस्वामी पाद को कृष्ण भक्ति का जो रस है उसको वर्णन करने की शक्ति प्राप्त होगी। प्रतिदिन आशी रूप करेन मिलन, रोज चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद से मिलने आते थे। मंदिरे प्रसाद पाना देना दुई जन, तो रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर इन दोनों को चैतन्य महाप्रभु अपना जगन्नाथपुरी का प्रसाद स्वयं लेके आके देते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। और रूप गोस्वामी भले भी बड़े सारस्वत ब्राह्मण के हैं, फिर भी वो उन्होंने एक मलेच्छ का नीचे कार्य किया था, उसकी वजह से अपने आप को बहुत हीन मानते थे, बड़े दयनीय मानते थे, इसके वजह से वो कभी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर नहीं गए। स्वयं जगन्नाथ जी वहाँ है और सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, वही कृष्ण हैं वही जगन्नाथ हैं, हाँ वही गौर है वही जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु में मिलने के लिए आते थे रूप गोस्वामी से। देखो एक भक्त का शक्ति देखो, भक्त मंदिर के अंदर जा नहीं पा रहा है लेकिन भगवान भक्त का दर्शन देने के लिए प्रसाद लेके खुद आते थे। तो ऐसा रोज उनका एक हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु का ये आदान प्रदान भक्तों के साथ, तो चैतन्य महाप्रभु का नीला चैतन्य लीला का ऐश्वर्य है। तो ये महाप्रभु का इस प्रकार रोज आना, उनके साथ संवाद करना, इस संवाद से चैतन्य महारूप गोस्वामी पाद बड़े आनंद को अनुभव कर रहे हैं। भक्त गणला कैला गुंडी चमार्जन आए तोटा सही कैला वन्य भोजन। तभी रथ यात्रा आ रहा है, रथ यात्रा आ रहा है, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, रथ यात्रा आ रहा है। रथ यात्रा का पहले क्या होता है, गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन हुआ और उसके बाद सभी लोग जो है आए तोटा, गुंडीचा मंदिर के मंदिर के बाजू में एक बड़ा आए तोटा करके जगह है, उधर महाप्रभु जो है सबको प्रसाद स्वयं अपने हाथों से परोसते हैं। हरिदास ठाकुर ने देखा और रूप गोस्वामी पाद देखा कि प्रसाद ले रहे हैं और हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं, बड़े आनंद में हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु के जो उचिष्ठ है गोविंद के हाथ प्राप्त किए, तो उनको उन्होंने बड़े आदर से साथ स्वीकार किया और दोनों बड़े आनंद के दिव्य आनंद में नृत्य करने लगे। आरती न प्रभु रूप मिलाए वसीला। अगले दिन की बात है, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद से मिलने गए। मिलके रूप गोस्वामी पाद को महाप्रभु बोलने लगे, देखो कृष्ण को वृंदावन से बाहर लेके मत जाने का प्रयास करो। कृष्ण वृंदावन के कृष्ण रा बाहर नहीं करिया व्रज हिते। कृष्ण को व्रज से बाहर मत लेके जाना। व्रज छाड़ी कृष्ण का बुनाया ना कहाँ थे। व्रज को छोड़ के कृष्ण कहीं बाहर नहीं जाते। देखा महाप्रभु मालूम तरु को स्वयं क्या सोच रहे थे। कृष्ण की सारी लीलाओं को एक ही बुक में रख दूंगा। नहीं नहीं नहीं, दो बुक होना चाहिए, क्यों दो कृष्ण हैं। ये कृष्ण जो है वृंदावन के है, व्रज के है, कृष्ण द्वारका के है, इसलिए दो अलग बुक होना चाहिए। तुमने क्या किया। तो कृष्ण को एक ही कृष्ण का वर्णन करना चाहते हो, एक ही कृष्ण ही है, क्योंकि व्रजनंदन कृष्ण जो है वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छन्ति। इसे कहा गया कृष्णोन्यो यदो संभूतो यहा पुंसहा सो अस्ति यत परः वृंदावनम परित्यज्य सा क्वचिन नैव गच्छति। कृष्ण यदु कुमार ये वसुदेव वासुदेव कृष्ण हैं, वो अलग हैं, नंद महाराज के जो पुत्र है वो कृष्ण से अलग हैं, यदु कुमार कृष्ण जो है वो अलग है, वो मथुरा और द्वारका में यदु कुमार लीलाएं करते हैं, क्योंकि नंद महाराज के जो पुत्र कृष्ण है ना श्री नंद नंदन, वो कृष्ण वृंदावन परित्यज्या वृंदावन को त्याग करके स्वा सा कचिन नैव गच्छति, वो कहीं छोड़ते जाते नहीं। तो कृष्ण कहाँ है, अव्यक्त हो गए वृंदावन से। बस वृंदावन से कृष्ण गए मथुरा, वो लीला में बड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं हमारे आचार्यगण। अक्रूर कृष्ण को लेके जा रहा है कि नहीं, तो एक जगह रथ रुका। उधर कृष्ण और बलराम जो है उधर रथ की ओर बैठे, अक्रूर स्नान करने गया तो वापस आके रथ को गए लेके गए, तो उधर क्या हुआ, कृष्ण और बलराम जो है वो व्रज के जो कृष्ण और बलराम रह गए और रथ को आगे लेके गए, तो वो कौन से कृष्ण बलराम थे, वो वासुदेव कृष्ण थे, वो उनको लेके गए। जैसे कृष्ण व्रजेंद्रनंदन कृष्ण के हाथ में बांसुरी होता है, और जो कृष्ण द्वारका के कृष्ण हैं वासुदेव कृष्ण के हाथ में कोई बांसुरी नहीं है। व्रजेंद्रनंदन कृष्ण जो है उनका त्रिभंग ललित है, और वासुदेव कृष्ण जो है वो त्रिभंग ललित नहीं, वो राजा है, वो सीधे खड़े रहते हैं। और हलधर बलराम, हल कहाँ उनके पास में, व्रज में थोड़े उनका हल है, कभी कभी आ जाता है एक हल, लेकिन वास्तविकता में हल को लेके वो घूमते नहीं हैं, गधा लेके नहीं घूमते। आपने देखा कहीं बलराम जो है वो व्रज में गधा लेके घूम रहे हैं, नहीं, वो गधा लेके घूमना गधा युद्ध करना वो सब चीज़ें वो द्वारका की लीला में होता है। ये तो कही महाप्रभु मध्यान्ह चलीला रूप गोस्वामी माने किच्छु विस्मिता होइला। तो रूप गोस्वामी बाद मन में सोचने लगे क्या हो गया, अभी पता लगा सत्य बाबा ने मुझे जो आज्ञा दिया है ना, मुझे अभी पता लग रहा है कि ये आज्ञा सत्य बाबा का बराबर है, महाप्रभु उसको बराबर कह रहे हैं। तो सोचने लगे मैं दो ड्रामा को रचना किया। एक ही ड्रामा सोच रहा था कि मैं उसको दो अलग ग्रंथों में रचना करूँगा। तो वास्तविकता में रूप गोस्वामी पाद ने इस आज्ञा के बाद उनने दो काव्यों की रचना किया। एक काव्य का नाम है विदग्ध माधव, दूसरा काव्य का नाम है ललित माधव। विदग्ध माधव जो है वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करता है, और ललित माधव जो है वो कृष्ण के द्वारका लीलाओं का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। अभी रथ यात्रा चल रहा है, महाप्रभु नृत्य कर रहे रथ के सामने, अद्भुत नृत्य कर रहे हैं, और रूप गोस्वामी पाद ने सुना चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक को उच्चारण कर रहे हैं। तब ये श्लोक सुन के, महाप्रभु के मुख से उत्पन्न हुआ श्लोक सुन के, तुरंत चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या हो रहा है उसके आधार पे उन्होंने क्या किया, रूप गोस्वामी पाद ने और एक श्लोक का रचना किया। इसका तो वर्णन पहले कर चुके हैं, लेकिन संक्षिप्त में करना चाहते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद तो अपने एक कुटिया में गए और उस श्लोक को एक पत्ते की रचना करके वो कुटिया का छत के ऊपर रख के वो समुद्र में स्नान करने गए। उसी समय क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु आए।
आके उन्होंने वो छत के ऊपर लिखा हुआ वो तो एक पत्ता था, वो लिख के पढ़ने पढ़ के पूछने लगे स्वरूप दामोदर से, हाँ हे स्वरूप दामोदर, मेरा मन का बात जो है रूप गोस्वामी पाद कैसे जान लिया। तो रूप गोस्वामी पाद को स्वरूप दामोदर कहते हैं, प्रभु रूप गोस्वामी पाद की ओर आपने कृपा किया, हृदय में आपने संचार किया, शक्ति संचार किया, इसकी वजह से आपके मन में जो चल रहा है वो बात रूप गोस्वामी पाद समझ गए। इससे रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र में क्या बोलते हैं, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयहम ददाति स्वपदांतिकम। चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या चल रहा है, वो रथ यात्रा चल रही है। कौन सी रथ यात्रा चल रही है, वो रथ यात्रा जो पहली बार हुआ, कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ। हाँ, कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण का मिलन हुआ। उस समय राधा रानी ने क्या किया, कृष्ण को कहा हे कृष्ण चलो। कृष्ण ने कहा अभी तुम वही राधा रानी हो, मैं वही कृष्ण, मुलाकात तो हो गया ना, हाँ तुम खुश हो ना। नहीं, राधा रानी क्या कहा, नहीं तुम वही कृष्ण नहीं हो, ये कौन सा वेश है तुम्हारा, हाँ ये राजवेश है, ये राजवेश में प्रेम थोड़ी ना हो सकता है, ये कुरुक्षेत्र है, युद्ध भूमि है, हाथी घोड़ा घूमता रहता है, वृंदावन में जो है मयूर है और बहुत सारे हिरण हैं, और उधर नदी है सुंदर यमुना नदी है, भले तुम वही कृष्ण हो मैं वही राधा रानी हूँ, फिर भी स्थान वो नहीं है, इसे घर चलो। गे हम जो शाम, हाँ घर चलो। घर की राधा रानी क्या किया, कृष्ण का हाथ पकड़ के वो खींचते हुए वो ब्रज की ओर लेके आई। वो जो लीला है वो महाप्रभु बार 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 कुछ अन्य श्लोक जो अन्य काव्य के भौतिक काव्य का है उसको उच्चारण करते, लेकिन ये है क्या, ये श्लोक अर्थ क्या है, रूप गोस्वामी पाद ने अपने द्वारा लिखा गया श्लोक से उन्हें प्रकाशित किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का मन को समझने वाले है रूप गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी पाद के अलावा और कौन जान सकते बताओ, हाँ स्वरूप दामोदर जानते थे, और कोई नहीं जानता था इस श्लोक का अर्थ। ऐसा कौन सा श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु बार बार उच्चारण कर रहे थे, ये एक लौकिक काव्य था, एक ड्रामा था, जैसे नॉवेल होता है ना उसके अंदर एक हीरो हीरोइन के बीच में जो प्रेम होता है, वो हीरोइन हीरो को कहती हैं, क्या कहती हैं, यह कौमार हरसएव रस्ताए चित्रक्षपास्ते चोन्मीलमालती सौरभ्य प्रौढ़ा कदम्बा नीला स चैवां चितता विदत्र सुरतवापारलीला विधौ रेवारोदसी वेतसी तरुतले चेतस समुत्कंठते। तो ये एक हीरोइन है, वो कहती हैं वो हीरो से, देखो मुझे समुत्कंठते, मन में वही उत्कंठ आ रही है, हम उसी स्थान में जाएंगे। बचपन में हम दोनों का मुलाकात हुआ था हमारे गांव में, लेकिन अनेकों साल के बाद वापस मुलाकात हो रहा है, लेकिन स्थान वो ठीक नहीं है। हम रेवा रोदसी रेवा नामक जो नदी है उसके तट पे वेतसी नामक एक वृक्ष है उसके नीचे बैठ के ही हम जो प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, हाँ ये जगह ठीक नहीं है, ऐसा कोई एक श्लोक था। लेकिन इस श्लोक को कौन समझाएगा, कोई समझ नहीं पा रहा था, ये सन्यासी है महाप्रभु है जो कृष्ण प्रेम मग्न है, ये कौन सा किताब का श्लोक, फिल्म गाना क्यों गा रहे हैं, एक तरीके फिल्म गाना गा रहे, इधर किसी को समझ नहीं आ रहा था। रूप गोस्वामी पाद ने बात समझ गए और रूप गोस्वामी पाद उसको स्पष्ट रूप में कह दिया, क्या कह दिया, राधा रानी के मुख से उत्पन्न हुआ श्लोक है, प्रिय सोयम कृष्ण सचरी कुरुक्षेत्र मृतस तथा हम स राधा तदिदम उभय संगम सुखम तथाप्यंत केलान मधुर मुरली पंचमजुषे मनोमे कालिंदी पुलिन विपिनया स्पृह्यति। हे मेरे मित्र सुनो, मैं मेरे पुराने जो मित्र हैं प्रिय हैं कृष्ण से मुलाकात हुई कुरुक्षेत्र में, मैं वही राधा रानी हूँ, अभी हम दोनों का मिलन हो रहा है, अच्छा लग रहा है, फिर भी मुझे मन नहीं कर रहा है इधर कोई रास करने की, क्योंकि रास कुरुक्षेत्र रासस्थली नहीं है, तो मैं उस यमुना के तट में लीला करना चाहती हूँ। उसके भी यमुना के तट में बहुत सारे वृक्ष है, कदम्बा नीला कदम्ब वृक्ष हैं, और उधर के जो सुंदर वायु हैं
जो प्रेम को, प्रेम लीला को वो सहयोग करता है ऐसी वायुओं के साथ में, और साथ साथ में मुरली वादन का श्रवण करना चाहती हूँ। पंचम जो से जो फिफ्थ नोट है उसको मैं सुनना चाहती हूँ। ये राजरानी की तीव्र इच्छा थी, सखियों को कही कि ये श्लोक को, और सखियों ने कहा ऐसी है क्या, चलो कृष्ण को खींचते हुए लेके जाएंगे। हाँ, कृष्ण को खींचते हुए वो तो कुरुक्षेत्र ऐसे स्थान है जहाँ राजरानी की सेवा के लिए हम सबको जाना है। राजरानी का जो सेवा के लिए बहुत कम गोपियाँ हैं उधर, तो उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता, राजरानी को हमारी सबसे ज़्यादा आवश्यकता कहाँ, कुरुक्षेत्र में है। भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं मैं वृंदावन में रहना पसंद नहीं करता हूँ, कुरुक्षेत्र जाना चाहता हूँ। क्यों, राजरानी की जो आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र में है। तो राजरानी क्या किया, हाथ पकड़ के खींचते हुए किया। तो इसका वर्णन स्वयं राजरानी कहती हैं, कहाँ कहती हैं, भागवत में कहाँ, कौन सा श्लोक है जो राजरानी ने कहा, आहुश्चते रणिलनावदारविंदम योगेश्वरे हृदि विचिन्त्य मगाध बोधय संसार गोपतिदोत्तर नावलंबम केहम जुषाम अभी मनस्यात सदा मनस उदयात सदा नः। कृष्ण कहा था गोपियों को जब कुरुक्षेत्र मुलाकात हुआ, को कहा हे गोपियाँ देखो इतना रो मत मेरे लिए, ये संसार ही ऐसा है, कभी कुछ लोगों का मुलाकात हो संबंध जुड़ता है, कभी टूट जाता है, ये शरीर नश्वर है, पता नहीं कृष्ण को क्या हो जाता है। कुरुक्षेत्र जाते उनको गीता याद आती है, गीता सुनाया अर्जुन को, क्यों, अर्जुन रो रहा था, कृष्ण क्या किया, गीता अर्जुन को सुनाया, गोपियाँ भी रो रही थी, तो कृष्ण ने सोचा इनको भी गीता सुनाऊँगा, और कोई मिला नहीं क्या। हाँ, अर्जुन रो रहा था अपने बंधु बांधवों के लिए, इधर गोपियाँ कृष्ण के लिए रो रही थी। हाँ, और ये कृष्ण पता नहीं क्या है उसको, कुरुक्षेत्र में तो गीता, हाँ गीता सुना देता हूँ। हाँ, तो अरे वो गोपियाँ तुम्हारे लिए रो रही है, गीता से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ज्ञान योग का, कर्म योग का पूरा उपदेश दिया, तो गोपियों को आया गुस्सा, राधारानी को आया गुस्सा, लेकिन गुस्सा दिखाने का बहुत तरीका होता है। हाँ, हाँ, बड़े दयनीय से, अच्छा कृष्ण आते, हम सुना तुम बहुत बड़ा आदमी हो गया। नहीं ना बदार विदम, हम सुना तुम्हारे नाभि कमल से, नाभि से कमल उत्पन्न होता है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे चरण कमलों का ध्यान करने से बड़े बड़े लोग, योगी लोग जो है संसार सागर को पार कर लेते हैं, ऐसा हमने सुना। लेकिन अंदर अंदर क्या बात कह रहे, क्या कह रहे मालूम है, अच्छा इतना बड़ा हो गया तुम, नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, हाँ ब्रह्मा जी आ गए, ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए नहीं है। ठीक है, याद है क्या करते थे तुम, हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत चार्ज के लिए नाचता था तुम, हाँ इधर उधर भागता था। क्या कहा तुमने, हाँ ध्यान करने के लिए कहा, वो जाके किसी और को सुनाना ध्यान व्यान, हमने बहुत ध्यान किया, तुमको भूलने के लिए ध्यान किया हमने। हाँ, गोपियाँ कहती हैं, राधारानी कहती है बहुत ध्यान की ताकि तुमको भूल जाऊँ, लेकिन भूल ही नहीं पाती हूँ। हाँ, उनको बोलना ध्यान करने के लिए जो तुमको, तुम्हारे चरणों में ध्यान नहीं कर पाते, 2400 घंटा तुम्हारे स्मरण होता है, हम ध्यान किए तुमको भूलने के लिए फिर भी नहीं हुआ, ऐसे लोगों कहते हो कि चरणों कमलों के ऊपर ध्यान करो। याद है गोपी गीत गाया था हमने, आखिरी श्लोक में क्या कहा था, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेशु, कृष्ण गोपी गीत में कहा था कि हे कृष्ण तुम्हारे चरण कमलों को अपने स्तनों के ऊपर रखो, और हम चरणों को ध्यान करने के लिए नहीं है, हम आपके चरण कमलों को अपने स्तनों में रखना चाहते हैं। फिर भी हमको भय था कहीं ये जो स्तन इतने कठोर है हमारी, तुम्हारे अपने स्तनों के ऊपर आप चरण कमल रखोगे कहीं कष्ट ना हो जाए, इसे भीता शने ही धीरे धीरे रखो कृष्ण, ऐसा हमने प्रार्थना किया था। ऐसे गोपियों गए थे चरण कमलों को ध्यान करो, और क्या कहा, संसार सागर को पर का पार कर लोगे, जब से तुमने बांसुरी बजाया तब से हमारा संसार खत्म हो गया, सब कुछ छोड़ के आएगा, हमारे पास कोई संसार सागर नहीं है, संसार कूप नहीं है हमारा, हाँ हम एक कूप में डूबे हुए, ऐसा एक कुएं में डूबे हुए, कौन सा कुआं मालूम है, विरह सागर में डूबे हुए, विरह कूप में डूबे हुए। तो कृष्ण ने कहा हाँ मैं समझ गया तुम्हारा बहुत प्रेम है, अभी मैं सामने हूँ ना, हाँ अभी तुम्हारा विरह दूर हो गया ना। तो गोपियाँ, राधारानी ने कहा तो नहीं, ये भले ही तुम वही कृष्ण हो, फिर भी मैं वही राधा रानी हूँ, फिर भी वो विरह सागर से हम पार नहीं हो सकते,
क्योंकि जगह ठीक नहीं है, रास नहीं हो पाएगा। इसलिए गे हम जो शाम, गे हम जो शाम करते हैं घर चलो। रथ यात्रा करती है मालूम यही है, राधा रानी ने कृष्ण का हाथ पकड़ खींचते बोलते घर चल। घर चलो। तो सारे गोपियां कृष्ण खींचते लेके जा रहे। ये रूप गोस्वामी के मन में, हाँ, चैतन्य महाप्रभु मन में चल रहा था ये लीला, और किसी को पता नहीं लग रहा था। तो रूप गोस्वामी पाद को पता लग गया, उन्होंने लिखा। दूसरे शब्दों में कहा जाए, रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के मन में जो क्या चल रहा है वो लीला वो समझ गए। गुरु के मन की बात समझ लेना ये शिष्य का, बुद्धिमान शिष्य का लक्षण होता है। आप किससे प्रेम करते हो इसका अर्थ क्या मालूम है? हाँ, कैसे पता लगता है आप प्रेम करते हो? उनकी मन की बात समझ जाओगे, मन की बात जानना। मोदी जी का मन की बात को बोलना पड़ता है। बोलने के बाद कोई समझ नहीं पाता उसके मन की बात, मन में क्या चल रही है। तो जो कृष्ण के महाप्रभु के मन की बात समझ गए, और स्थापितम येन भूतले, सारे जगत को उन्होंने स्थापना किया। हाँ, इसलिए पहला विग्रह कौन सा है जो बताओ, जो इस काल में स्थापना हुई? जगन्नाथ। हाँ, पहला उत्सव कौन सा बताओ? रथ यात्रा है कि नहीं? हाँ, तो देखो रथ यात्रा कितना महत्व है। हाँ, इसकी वजह से हम गौड़िया हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा इतना महत्वपूर्ण उत्सव है। ताड़पत्र श्लोक लिखे चलिते रखिला समुद्र स्थान करीब रूपा गोस्वाई गेला। तो समुद्र स्नान करने गए तो चैतन्य महाप्रभु उस पत्ते को देख के कहने लगे, अरे ये मेरा मन की बात कैसे समझ लिया? तो तुरंत रूप गोस्वामी पाद का दंडवत किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को उठाया और गाल पे थोड़ा ऐसे छापड़ मारा। हाँ, हाँ, कहा गूढ़ा मोरा हृदय तुम्हें जाने लगे बने, मेरा हृदय में जो गुड़ रहस्य है तुमने कैसे जान लिया? ये तो कही रूप कैला दृढ़ आलिंगन, ये बोल के महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का दृढ़ता से आलिंगन किया। चैतन्य महाप्रभु उस श्लोक को लिए सुरुदाम को दिखाया, सुरुदाम को बोला देखो इसको पढ़ो। पूछने लगे मोरा अंतरवार्तर रूप जाने लगे मने, आपने कहा रूप को सुरुदाम से, हे सुरुदाम बताओ मेरे हृदय में जो गुड़ वार्ता है वो रूप गोस्वामी पाद कैसे जान लिया बताओ? स्वरूप कहे जानी कृपा करी आचे अपने, प्रभु मैं जानता हूँ आपने उनके ऊपर कृपा किया है। हाँ, अन्यत्र ही अर्थ करे नहीं हो जन, ऐसा आपने रूप गोस्वामी पाद के ऊपर कृपा नहीं करते हैं। ये इस प्रकार का अर्थ और कौन कर सकता बताओ? तुम्हें पूर्वे कृपा कही लो कही अनुमान, मैंने अनुमान कर लिया है आपने पहले हाँ इसके ऊपर कृपा किए हो। प्रभु कहे यह माया प्रयाग मिलीला, तो माँ ने कहा उनसे मुलाकात हुआ था प्रयाग में। हाँ, मैंने देखा योग्य पात्र है इसलिए मैंने उनके ऊपर कृपा किया। तब शक्ति संचार अमी कर लूँ उपदेश, तेने क्या किया रूप गोस्वामी के हृदय में शक्ति संचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में शक्ति दिया, शक्ति संचार किया। किसके लिए शक्ति संचार किया? श्रवण करके समझने का शक्ति दिया का शक्ति संचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछने का शक्ति किसको दिया? सनातन गोस्वामी पाद को दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण कथा को बोलने की शक्ति किसको दिया? उन्होंने रामानंद राय को दिया। तीन लोगों को कृष्ण कथा के संबंध में तीन हैं, एक है श्रवण करना प्रश्न पूछना और तीसरा बोलना। ये तीन शक्ति संचार चैतन्य महाप्रभु ने इन तीन लोगों को किया था। तबे शक्ति संचार हमें कह उपदेश तुम्हें कहनोगे हारा रस रविशेष। हाँ, देखो खास करके रस तत्व के विषय में उनको मैंने उपदेश दिया। स्वरूप कहे आते श्लोक देख लियम तुम्हें करिया छे कृपा तभी नू जानी नू। मैंने जैसे श्लोक को देखा जो रूप गोस्वामी पाद रचना किया तो मैं समझ गया कि आपने उनके ऊपर विशेष कृपा किया। वहाँ फले न फल कारणम अनुमीयते, फले न फल से फल का जो कारण है उसको अनुमान किया जा सकता है। चतुर्मास रही गौड़ वैष्णव चलीला, चार महीना चतुर्वास वहाँ जितने गौड़िया वैष्णव थे सब लोग आए थे रुके हुए हैं। ओके, रूप गोस्वामी महाप्रूरा चरण रहिला, रूप गोस्वामी बल रुक गए सारे गौड़िया वैष्णव बंगाल से आए वैष्णव सब लोग वापस बंगाल चले गए। एक दिन की बात है, एक दिन रूप करेनो नाटक लिखन, एक दिन रूप गोस्वामी बाद नाटक की रचना कर रहे थे। आचंबित महाप्रभु हैलागवन, अचानक महाप्रभु उधर आ गए। विदग्ध माधव नामक ग्रंथ का रचना कर रहे हैं
अचानक चैतन्य महाप्रभु आ गए। आके क्या किया, सब रहे दुई उठी दंडवत कहिला। तो महाप्रभु जैसे देखे तुरंत हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी दोनों उन्होंने दंडवत किया, दोनों को उन्होंने आलिंगन किया और महाप्रभु ने देखा, हे क्या लिख रहे हो तुम, हाँ क्या पुंथी लिख गया, एक पत्ता लिख रहे पत्ते के ऊपर लिख रहे थे, लिया लेके उन्होंने देखा, अरे क्या कितना अद्भुत हैंड राइटिंग है देखो, हाँ अक्षर देखिए प्रभु मने सुखी होइला। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद का जो अक्षर है वो देख के सुखी होइला, बहुत सुखी हो गए। और ऊपर अक्षर का स्तुति करते हुए कहा, ये ना मुक्तारा पंक्ति मोतियों की जो माला है उस प्रकार का तुम्हारा अक्षर है, प्रीतोहन करे नो प्रभु अक्षर स्तुति। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद का जो हैंड राइटिंग है हाँ उसको देख के स्तुति करने लगे, सही पत्र प्रभु जी का श्लोक ई देखाइला। तो उस पत्ते में बहुत सारे श्लोक थे, एक श्लोक को देखा पढ़ी तो श्लोक को प्रेमाविष्ट हो गया। वो श्लोक पढ़ के महाप्रभु जो है प्रेम से आविष्ट हो गए, हाँ इतना आनंद को अनुभव करने लगे। कौन सा श्लोक था वो, हाँ तुंडे तांडविनी रतिम्बितनुते तुंडावली लब्धये कर्णक्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहां चेद प्रांगण संगिनीं विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नौ जाने जनिता कियाब्जरमृतेर्कृष्णेति वर्णद्वयी। ये श्लोक पढ़े महाप्रभु रहे उनको आनंद में नृत्य करने लगे, नृत्य करने लगे। श्लोक सुनी हरिदास वैला उल्लासी, ये श्लोक सुने हरिदास ठाकुर उल्लास आनंद में अनुभव कर रहे हैं, नाचते लगीला श्लोक अर्थ न प्रशंसी, नाचते 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 श्लोक का अर्थ का प्रशंसा करने लगे। ये श्लोक का अर्थ क्या है, तुंडे तांडविनी रतिम्बितनुते तुंडावली लब्धये कर्णक्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहां चेत प्रांगण संगिनीं विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नौ जाने जनिता कियाब्जरमृतेर्कृष्णेति वर्णद्वयी। कृष्णेति वर्णद्वयी, कृष्ण दो अक्षर है, कृष्ण और ना। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि इन दो अक्षरों में, कृष्णा नामक दो अक्षरों में नौ जाने में जानता नहीं उसके अंदर कितना गहरा इसका अमृत का सागर है। अमृत का सागर की लंबाई चौड़ाई नौ जाने मैं जानता नहीं हूँ, खाली मैं उस सागर में डूबा हुआ हूँ। कृष्ण नाम में दो अक्षरों में कितना बड़ा अमृत का सागर है। नौ जाने जनिता कियाब्जरमृतेर, अमृत का सागर है ये, कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, कितना ये गहरा है मैं जानता नहीं हूँ। मैं केवल इसके अंदर डूबा हुआ हूँ। क्यों, जैसे मैं कृष्णेति वर्णद्वयी कृष्णा उच्चारण करता हूँ, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि मेरे जिह्वा के ऊपर कृष्ण नृत्य करते, कृष्णा तुंडे तांडविनी रतिन जिह्वा नृत्य करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जिह्वा से क्या होने वाला है। तुंडे तांडविनी रतिमितनुते तुंडावली, मुझे करोड़ों जिह्वा चाहिए, एक नहीं। जैसे वो कृष्ण का नाम कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कान के रंध्रों में प्रवेश करता है, ध्रुव गोस्वामी पाद कहते हैं मुझे एक दो कान जो है उससे क्या होने वाला है। कर्णार्बुदेभ्य अरबो अरबो कान चाहिए, एक दो कान से नहीं होने वाला है, मुझे इतना आनंद का अनुभूति होता है। लोभ, लोभ जब कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी ने आपको एक रसगुल्ला दिया, अरे एक से क्या होने वाला है, दस दो ना, लोभ व्यक्ति दस खाने का बोलते हैं दस से भी कुछ नहीं हो, मुझे भर भर के दो, डम दे दो मेरे सामने रखो। तो इतना ऐसा जैसे हमको इस प्रकार इन चीज़ों में लोभ रहता है। रूप गोस्वामी लोभ क्या है, मुझे एक ही नाम है कृष्ण का, लेकिन मुझे और कान चाहिए और जिह्वा चाहिए। तो कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते, जैसे कानों के रंध्रों से कृष्ण नाम प्रवेश करता है, तो कहाँ प्रवेश करता है, घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहां चेत प्रांगण, चित्त में प्रवेश करता है, हृदय में प्रवेश करता है वो जो कृष्ण का नाम, चेत प्रांगण संगिनीं विजयते, हृदय में प्रवेश करता है तो सारे इंद्रियों का जो कार्य स्तब्ध हो जाता है,
मुझे केवल एक ही चीज़ का अनुभव है, मैं हूँ और कृष्ण का नाम है और कोई नहीं है। सारे इंद्रियों का स्तब्ध हो जाता है। सर्वे इंद्रियाणाम कृतिम विजयते न जाने, मैं जानता नहीं हूँ कि आप दिरमृते कृष्ण इति वर्णद्वयी। अभी तत्व देखिए इधर ध्यान से, हरिदास ठाकुर नाचिते लगीरा श्लोकेर अर्थ प्रशंसी, श्लोक का अर्थ को प्रशंसा करते हुए कहा, बड़ा अद्भुत व्याख्यान है इसका। खाली तीन चार श्लोक में हरिदास ठाकुर ने, नामाचार्य है, नाम के आचार्य है, कौन से नाम के आचार्य है हाँ तो वो प्रकाशित करे, कौन सा नाम चैतन्य महाप्रभु ने दिया, जो ऐसा कौन सा नाम है जिसके वजह से रूप गोस्वामी पाद ऐसी दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, वो नाम क्या है। नाम मेरा महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नाम की जो महिमा है मैं शास्त्र और साधु के मुख से मैं जानता हूँ, मैं सुना हूँ, बहुत सुना हूँ। नाम मेरा माधुरी ऐसे कहाँ नहीं सुनी। नाम के दो विशेषताएं हैं, दो प्रकार के नाम हैं, एक नाम महिमा मंडित नाम है, दूसरा नाम वो मधुरिमा युक्त नाम है, माधुर्य नाम है, एक ऐश्वर्य नाम है। जैसे शास्त्रों में आपने सुना होगा, एक बार कृष्ण का नाम लोगे, एक बार कृष्ण का नाम लोगे तो इतना पाप को काटेगा जितना आप कर भी नहीं सकते हाँ? जितना आप कर भी नहीं सकते उससे ज़्यादा पापों को काटे। क्या नाम की महिमा है, नाम की मधुरिमा नहीं। तो ये जो नाम जो महाप्रभु हमको दिया हाँ, वो कौन सा नाम है, मधुर नाम। संकीर्तन क्या, महाप्रभु आने से पहले हरिनाम संकीर्तन नहीं था क्या, पहले था, लेकिन जो महाप्रभु ने जो नाम संकीर्तन दिया वो कौन सा नाम संकीर्तन दिया, वो प्रेम नाम संकीर्तन दिया। जो हरे कृष्ण महामंत्र जो हम गाते हैं ना, वो हरे कृष्ण महामंत्र जो अन्य लोग करते हैं उनसे अलग है। वो जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, वो जो नाम लेते हैं, वो नाम पापक्षय करता है। लेकिन महाप्रभु के हाथ में जो दिया जो दिया गया जो नाम है हाँ, जो महाप्रभु ने आके प्रचार किया, वो कौन सा नाम है, वो मधुर नाम है। इसलिए हरिदास ठाकुर कहते हैं, नाम मेरा माधुरी ऐसे कहाँ नहीं सुनी, मैं कभी सुना नहीं है। ये जो नाम जिसकी वर्णन रूप गोस्वामी बात कर रहे हैं, वो नाम आज तक मैंने नहीं सुना है। तबे महाप्रभु दोहे कुरियालिंगन, जो चैतन्य महाप्रभु ने दोनों का आलिंगन किया, रूप गोस्वामी बात आलिंगन किया, हरिदास ठाकुर का आलिंगन किया। मध्यान्ह कैले करिते स्नान कैला गमन, मध्यान्ह समय में समुद्र में स्नान करने के लिए वो निकल पड़े। आरदिन महाप्रभु देखी जगन्नाथ सर्व रामानंद स्वरूप आदि स्थाने सभी मिले, चले आईला श्री रूप मिलिते, पते तारा गणे सबारा लागिला करिते। तो अगले दिन जो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर दर्शन किए, महाप्रभु सारमंडाचार्य से मिले, रामानंद राय से मिले, सुरुद्रामदर सब से मिले, सबको लेके आए रूप गोस्वामी के साथ मिलाने के लिए। रास्ते में महाप्रभु का जिह्वा रुक नहीं रहा है, उन सब के सामने रूप गोस्वामी महिमा को गान करते करते जा रहे हैं। तब दुई श्लोक करी प्रभु होइला महासुखा, दो श्लोक, कौन सा श्लोक भी हाँ, जो रूप गोस्वामी पाद लिखा था ना, कुरुक्षेत्र साचर कुरुक्षेत्र मिलना मिलित और तुंडे तांडव नहीं है, वह दो श्लोक जो है वो महाप्रभु के मन से जा ही नहीं रहा है। निज भक्त रुण कहे हो न पंचमुखे, तो अपने निज भक्त रूप गोस्वामी पाद का गुणों को गान कर रहे हैं, ऐसा गान कर रहे उनके पास पाँच मुख हो महाप्रभु, ऐसा गान करना प्रारंभ किया। सार्वभौम रामानंद परि ख्या करिते श्री रूप गणे, रूप रूप रुणा दोहारा लागिते कहिते। तो सारमंडाचारी रामानंद राय तो सोचा ये देखने के लिए सारमंडाचारी रामानंद राय करते क्या है, इसे रूप गोस्वामी का गुणों को बार बार गान करने लगे। ईश्वर स्वभाव भक्तिर न है लय अपराध, हाँ ये ईश्वर का स्वभाव होता है, भक्तों का जो अपराध उसको बहुत गहराई से नहीं लेते हैं। अल्प सेवा बहु माने आत्मा पर्यंत प्रसाद, हाँ अल्प सेवा, थोड़ा सा भी कोई से भक्त सेवा करता है ना उसको बहुत मान लेते हैं, हाँ
बहुत ज़्यादा उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये उनका स्वभाव होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में ये इसका वर्णन आता है। पुरुषोत्तम कहा गया है भगवान को, जो सारे जितने भी लोग हैं पुरुष हैं उनसे उत्तम हैं, इनका शुद्ध मन है, वो बहुत मृदु हैं और उनके सेवकों का जो अपराध को ज़रा सा भी मानते नहीं हैं, उसको बहुत गहराई से लेते नहीं हैं। अगर कोई थोड़ा सा सेवा कर लेता है भगवान का, उसको बहु करी मानी बहुत मान के बैठते। थोड़ा सा मान लो कोई सेवक थोड़ा सा एक फूल अर्पण करता है तो बहुत प्रसन्न होता है, क्या जानते हो मैंने इसने मुझे क्या दिया, क्या दिया मुझे, फूल दिया, हाँ ऐसा मान लेते हैं। अगर मान लो अगर कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है तो भगवान को अगर निंदा करता है तो ज़्यादा इसको सीरियस लेते नहीं है। ये महापुरुषों का ये स्वभाव होता है। भक्त संग प्रभु आयला देखी दुई जन दंडवत हन कैला चरण वंदन। तो चैतन्य महाप्रभु सारे अपने संगियों के साथ में राय रामन के साथ में और सर्वणाचार्य के साथ में जो आए तो वो स्वयं पाद उनको दंडवत प्रणाम किया और भक्तों को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को स्वयं साथ में मिले तो एक जगह ऊंचे स्थान में बैठे हैं उनके भक्तों के साथ में। रूप हरिदास जुआ वसीला पिंड तले, तो उधर जहाँ रूप और हरिदास जो है रूप को स्वामी हरिदास नीचे है कहीं नीचे स्थान में बैठे हुए हैं। भले सब लोगों ने कहा आओ ऊपर देखो हमारे साथ में बैठो, तो अपने दैन्य भाव से वो लोग नीचे बैठे रहे। पूर्व श्लोक पढ़ रूप प्रभु आज्ञा कैलाल लज्जा ते ना पड़े रूप मौन धरिला। तो जितने में हमने कहा रूप गोस्वामी बात को, हे रूप जो पहले तुमने मुझे श्लोक सुनाया था ना तो वापस सुनाओ। रूप गोस्वामी बड़े लज्जित होते हुए उन्होंने सुनाई नहीं। तो बड़े नम्र है गौड़ी वैष्णव का नम्रता है, रूप गोस्वामी नम्रता है, उन्होंने सुनाए नहीं। श्रुत दामोदर ने वो श्लोक को गाना प्रारंभ किया। तो जैसे स्वरूप दामोदर ने श्लोक गाए तो सबका मन जो है अचंभित हो गया। सुनी सभागार चित्ते चमत्कार होइला, सबका मन जो है चमत्कृत हो गया। कौन सा श्लोक है? महाप्रभु के मन में जो चल रहा है ना वही बात है। कुरुक्षेत्र प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित तथा हंस राधा तदिदम उभय संगम सुखम तथाप्यंत केलान मधुर मुरली पंचमजुषे मनोमे कालिंदी पुलिन विपिनया स्पृहति। जिसके वजह से हम रूपो साहेब प्रणाम क्या कहते हैं? चैतन्य मनोभिष्टम कहते हैं। ये श्लोक जैसे सभी लोग सुना तो राय भट्टाचार्य बोले तुम्हारा प्रसाद बिना तुम्हारा हृदय ये जानी लो क्या मने। वापस लोग कहेंगे हे प्रभु आपके कृपा के बिना रूप गोस्वामी या कोई भी हो आपका हृदय को कैसे जान सकता है। आमाते संचारी पूर्व कोयला सिद्धांत ये सब सिद्धांत ब्रह्म नहीं पाए अंत। राय रामन ने कहा चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को उन्होंने दिया है शक्ति संचार किया है तो उसके बिना कौन जान सकता है सिद्धांत का आसार को। बोलो ब्रह्मा भी सिद्धांत का आसार को जान नहीं सकता जब तक भगवान का कृपा ना हो। ताते जानी पूर्वे तुम्हारा बांछते प्रसाद ताहे बिना नहीं तुम्हारा हृदय अनुवाद। देखो आपके हृदय का अनुवाद यानी हृदय में जो क्या चल रहा है जानना वो असंभव है। आपने पहले उनके ऊपर कृपा किया है। प्रभु कहे कहा रूपा नाटकेर श्लोक हे रूप गोस्वामी सुनो नाटक का श्लोक सुनाओ। ये श्लोक सुनना लोके रहोए दुख शोक। तो क्या हुआ चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे रूप गोस्वामी तुमने वो नाटक से तुमने श्लोक बोला था वापस उच्चारण करो। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा रूप गोस्वामी ने क्या किया सुनाया। ये श्लोक क्या करता है दुख शोका लोगों का दुख और शोक है उसको दूर करता है। तब बार बार प्रभु यदि तारे आज्ञा दिला तब ऐसे ही श्लोक रूप गोस्वामी कहिला। बार बार रूप गोस्वामी पाद को महाप्रभु बोलने लगे तब रूप गोस्वामी पाद वापस वो श्लोक सुनाने लगे। दूसरा श्लोक कौन सा है?
तुंडे तांडविनी रतिम्बितनुते तुंडावली लब्धये कर्णक्रोडकदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहां चेत प्रांगण संगिनीं विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नवजाने जनिता कियाब्जिरमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। जप करने से पहले आप ये श्लोक बोल सकते हो, अद्भुत आनंद आएगा जप करने से पहले श्लोक बोलना चाहिए। तो ये श्लोक रूप गोस्वामी पाद ने सुनाया। जैसे महाप्रभु के भक्तगण सुने, खास करके रामानंद राय इस श्लोक को सुने, उनके हृदय में ऐसा आनंद का सागर उदय हुआ, सभी लोग अचंभित हो गए। सवारा होइला आनंद विस्मय, सभी बोले नाम महिमा सुनिया छे अपार, नाम की महिमा का हमने बहुत सुना है शास्त्रों में, ये मने माधुर्य केहो नहीं वर्णे आर। तो इस प्रकार का जो वर्णन है मधुरिमा, नाम की मधुरिमा, इस प्रकार का वर्णन हमने आज तक सुना है। राय कहे कोनो ग्रंथ करे करे है ना जानी, ये कौन सा ग्रंथ से लिया, कौन से ग्रंथ से तो लिख रहे हो, यहाँ रहा भीतर ही सिद्धांत कहानी, जिस ग्रंथ के अंदर जिस श्लोक के अंदर सिद्धांत का खानी है, सिद्धांत का पूरा खनिज है। स्वरूप कहे कृष्ण लीला नाटक करिते व्रज लीला पूरा लीला एकत्र वर्णिते। तो स्वरूप दामोदर ने कहा देखो तो ये दोनों व्रज लीला और मथुरा लीला जो है, द्वारका लीला जो है, उसको वर्णन कर रहा है। तो आरंभ याचिला यही प्रभु आज्ञा पाना, तो ऐसे एक ही ग्रंथ में वर्णन करने के लिए प्रयास किए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया नहीं, ये दो ग्रंथों में विभाजन करो, दो अलग अलग ग्रंथ लिखो महाप्रभु के। विदग्ध माधव आर ललित माधव दुई नाटक प्रेमरस अद्भुत सभा, ये दो ग्रंथ है, कौन सा विदग्ध माधव और ललित माधव, ये दुई नाटक प्रेमरस अद्भुत, प्रेम का रस का अद्भुत, प्रेम रस का अद्भुतता जो है वर्णन। राय कहे सुनो, राम ने पूछा नांदी श्लोक पढ़े सुखी दुखी सुखी देखी सुनी, सुनाओ मैं देखना चाहता हूँ, नांदी श्लोक सुनाओ उस श्लोक उस ग्रंथ का विदग्ध माधव का। रूप को स्वरूप श्री रूप श्लोक पढ़े प्रभु आज्ञा मानी, तो रूप को साई पाद देख रहे थे महाप्रभु की ओर देख रहे थे, महाप्रभु का इशारा किया बोलो हाँ, तब रूप को साई पाद ये नांदी श्लोक सुनाया। तो नांदी श्लोक बड़ा अद्भुत श्लोक है, अभी थोड़ा सा विदग्ध माधव के कुछ श्लोकों का आस्वादन करने वाले हैं, अभी आगे आने वाले कुछ श्लोकों में तो आपको सुनाता हूँ। सुधानां चांद्रिनामपि मधुरिमोन्मादधर्नी दधान राधादि प्रणय घन शरीर सुरभिताम् समन्तात् संतापोद्गम विषम समसार सरणी प्रणीतां ते तृष्णां हरतु हरिलीला शिखरिणी। तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो क्या करता है, इस संसार का जो दुख है उसको नाश करता है, और जितने भी हमारे हृदय में अवांछित इच्छाएं हैं उसको उखाड़ के फेंक देता है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो एक अद्भुत मिठाई के समान है, शिखरणी के समान है। तो ये शिखरणी क्या होता है, जैसे आप श्रीखंड जानते हो ना, श्रीखंड के अंदर बहुत सारे और उसके अंदर केसर डालो, ड्राई फ्रूट्स डालो, सब डालो, उसके अंदर बहुत थोड़ा मक्खन डालो, उसके अंदर थोड़ा सा मिश्री डालो, तो वो इसको शिखरणी कहा गया है, ये शिखरणी के समान है। तो क्या है मालूम है, ये कृष्ण लीला क्या शक्ति ऐसा है, तो चंद्रमा से उत्पन्न हुआ जो अमृत है उस अमृत को भी निंदित करता है, उसको उसका अहंकार को चूर्ण करता है। क्यों, क्योंकि ये कृष्ण लीला में राधा रानी का और गोपियों का कृष्ण की जो प्रेम की जो सुगंध जो है वो हमको सूंघने को प्राप्त होता है। कृष्ण लीला का अर्थ क्या मालूम है, राधा रानी और गोपियों के हृदय में कृष्ण की प्रेम का जो सुगंध है वो कृष्ण लीला है।
राधा और गोपियाँ नहीं हैं तो कृष्ण लीला का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए प्रणीताम ते तृष्णाम हरतु हरि लीला शिखरणी समस्तान संतापोद्गम विषम संसार सरणी। संसार के मार्ग में चलने वाले जो लोग हैं उनके सारे दुख को नष्ट नाश करता है। ददान राधादि प्रणय घन सारेर सुरभिताम प्रणय राधा रानी और उनके जो राधा आदि मतलब राधा रानी उन गोपियों के हृदय में जो प्रेम का जो सुरभिताम उस सुगंध है उससे युक्त कृष्ण का जो लीलाएं हैं। सुधानाम चंद्री नाम यानी चंद्रमा का जो सुधा है अपि मधुरिनोन्माद धमनी दमन करने वाला है। जो चंद्रमा का जो सुगंध उससे उत्पन्न हुआ जो अमृत है उससे वजह से चंद्रमा बहुत अहंकार को उस अहंकार को नाश कर देता है। चंद्रमा का जो से उत्पन्न हुआ जो सुगंध या अमृत है उसका अहंकार को नाश करने वाला है यानी इससे मधुर और कुछ है नहीं। तब राय कहे वह सुंदर श्लोक कहा इष्ट देवेर वर्णन तुम्हारा इष्ट देव का वर्णन करो। हाँ ये सारे श्लोक कहाँ हैं विदग्ध माधव नामक ग्रंथ से। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है विदग्ध माधव ने अद्भुत लीलाएं हैं। हाँ प्रभुरा संकोचे रूप ना करे पटन। तो जैसे राय रमन ने कहा रूप को साईपाद जो है थोड़ा सा वो हिचकिचा रहे थे तो क्योंकि सामने कौन बैठे हैं महाप्रभु बैठे हैं और उनका इष्टदेव कौन है हाँ महाप्रभु है कि नहीं। लेकिन महाप्रभु ने कहा उनको क्या ने कहा प्रभु कहे कहा के न करे संकोच हाँ क्यों संकोच कर रहे हैं बोलो बोलो। तो ग्रंथेरा फलो सुनिबा वैष्णव समाजे क्यों संकोच कर रहे हो तुमको बोलना चाहिए। सारा वैष्णव समाज जो है वो तुम्हारे द्वारा लिखा गया ग्रंथ को सुनना चाहते हैं सुनो। तब रूप गोस्वाई यदि श्लोक का पढ़िला सुनी प्रभु कहे ये अति स्तुति बोला है ये श्लोक बोलो मत अति स्तुति है ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो श्लोक रूप गोस्वाई बात बोलने वाले हैं बोले हैं वो इनका इष्टदेव कौन है चैतन्य महाप्रभु है तो वो श्लोक है अनर्पिताचरिम चिरात कारुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरत सुंदर द्युतिगदंब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्पृहत वह सचिनंदना। ये विदग्ध माधव का कौन सा श्लोक है हाँ वो श्लोक जो इष्टदेव क्योंकि ग्रंथ के आरंभ में रचयिता का इष्टदेव का वर्णन होना चाहिए तो इष्टदेव का वर्णन इस श्लोक में हुआ। मूल रूप में ये श्लोक को सुरुद्दामदर ने उच्चारण किया था वो पहले के जो 14 श्लोकों में ये श्लोक आ जाता है। तो इसमें अनर्पिता चरिम चिरात चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए भाई हाँ अनर्पिता चरिम चिरात आज तक जो नहीं दिया गया है वो चीज़ देने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए। इसके कनेक्शन देखिएगा तो कनेक्शन ये है कि नाम लोग बोलते हैं महाप्रभु आए किसके लिए आए मनवे नाम दिए नाम संकीर्तन दिए। नाम संकीर्तन तो पहले भी था ना महाप्रभु आने से पहले कौन सा नाम संकीर्तन था हाँ महिमा मंडित नाम संकीर्तन था महिमा युक्त नाम था ईश्वर युक्त नाम था। लेकिन महाप्रभु आए कौन सा चीज़ देने के लिए आए हाँ मधुर नाम प्रेम नाम संकीर्तन दिए मधुर नाम दिए वो नाम है अनर्पित चरिम चिरात आज तक सृष्टि के प्रारंभ से आज तक जो अर्पण नहीं किया गया है वो चीज़ जो है उसका प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रकट हुए। वो उसका व्याख्यान हम वैसे तो सुबह के समय की बात है सुबह का हम सत्र में इसका व्याख्यान सुनाएंगे थोड़ा विस्तार से। सभक्तगण कहे श्लोक सुनिया सारे भक्त बड़े आनंद से श्लोक को सुन रहे हैं। उन्होंने सब लोगों ने कहा कृतार्थ करिला सबारा श्लोक सुना तो श्लोक सुन अरे हमको आपने कृतार्थ कर दिया हम कृतार्थ हो गए हाँ हे रूप गोस्वामी पाद तुम्हारे वजह से तो हमें इतना अद्भुत श्लोक को सुने। लेकिन महाप्रभु बोल रहे मत करो अतिशयोक्ति है तुम्हारा अति स्तुति कर रहे हो। राय कहे कौन अमुके पात्र सन्निधान
रूपक है काला समय अप्रवर्तक मना नाम। तो रामन पूछा कि देखो जब कोई नाटक का वर्णन होता है, काव्य का वर्णन होता है, जो श्रोतागण होते हैं ना, जो नाटक दर्शन करने के लिए पढ़ रहे हैं, उनकी जो गुण हैं उनका वर्णन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बड़ा संगीतकार को बुलाया आपने, शास्त्रीय संगीत में बड़ा विद्वान है, विशारद है, बड़ा स्टेज है, सब कुछ है, लेकिन सामने आपने 100 गधों को बिठा दिया तो होगा कि क्या, ये क्या हो रहा है भाई, युगलबंदी हो रहा है, तो क्या हो क्या रहे, ऐसी होता है ना, शास्त्रीय संगीत होता है और सब लोग बैठे हैं, कब खत्म हो गए पूछते क्योंकि गधे हैं, तो गधे को क्या मोहन राग क्या समझ में आएगा बताओ, कौन सा भैरव है, कौन सा क्या समझ में तो आएगा नहीं। तो पहले ऑडियंस का परिचय मिलना चाहिए, पहले से बोल दो गधे बैठे हैं तो क्या लेके आएगा, गिटार लेगा, कूदेगा, कुछ आगे चले लोगों को बिल बहला के भेज देगा, तो ऑडियंस का परिचय होना चाहिए। तो रूप गोस्वामी बाद ने कहा ऑडियंस का परिचय देता हूँ, जैसे वो एक्टर्स आएंगे तो उनका प्रवर्तक उनका कौन है इंट्रोड्यूस कराता है, जो प्रवर्तक होता है एमसी जो होता है प्रवर्तक कौन है, ये जो सभा में कौन बैठे हुए हैं उसका वर्णन करके इसका विदग्ध माधव का शुरू हो रहा है एक प्रकार का। सो यम वसंत समय काल का वर्णन हो रहा है, ड्रामा शुरू हो रहा है। समीया यस्मिन् पुरं तम ईश्वरम उपोदनवानुरागम गूढग्रह रुचिरया सह राधयासौ रंगाय संगमनियता निशि पूर्णमासी। निशि पूर्णमासी कौन सा है, निशि मतलब रात का समय है, पूर्णिमा का दिन है, और कौन सा ऋतु है, ऋतु कौन सा है, शरद वसंत ऋतु का समय है, वसंत ऋतु है और पूर्णिमा का समय है, और क्या हुआ उस दिन या उस रात की समय उद्दीपन का कार्य किया कृष्ण का, वो संपूर्ण है, कृष्ण को आनंद की अनुभूति के लिए किसी और के ऊपर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी राधा रानी से मिलने की उनको हृदय में तीव्र इच्छा हुई, क्योंकि जैसे जैसे वो रात और गहरा होते गया तो कृष्ण एकदम बिल्कुल व्याकुल हो गए। रंगाय संगमयिता निशि पूर्णमासी, रंगाय कृष्ण रंग क्षेत्र में प्रवेश किए। राय रामन ने कहा, राय कहे प्रारोचनादि कह दे कि सुनी, प्रारोचना सुनाओ। रूप कहे महाप्रभु सर्वे श्रवणेच्छा जानी। तब राय रामन ने कहा प्रारोचन सुनाओ। रूप गोस्वामी कहा चैतन्य महाप्रभु को ऐसा लगता है कि उनकी इच्छा है प्रारोचन सुनने की, मैं आपको सुनाता हूँ। प्रारोचन भक्त का गुणों का चल रहा है जो सुनने के लिए बैठे हैं। भक्तानाम उदगा तनर्गल धियाम वर्गो निसर्गोज्वलाम शील पल्लवता सवल्लभ विधो बंधो प्रबंधो प्यसो लेबे चत्वरताम चतांडव विदे वृंदाटवी गर्भभूर मन्ये मद्विद पुण्यमंडल परिपाकोयम उन्मीलती। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। भक्त कैसे है, अनर्गल अधियाम जो सभा में भक्त बैठे हैं वो कौन हैं, तो अनर्गल दीवान बहुत उन्नत भक्त है, वो केवल उनका मन जो है कृष्ण में लगा हुआ है। ये जो
ग्रंथ जिसका नाम विदग्ध माधव है, वो कृष्ण के गुणों को लीलाओं को वर्णन करने के लिए उपयुक्त शब्दों से किया गया है। और इधर का पूरा जो सीन है कैसा है, वृंदावन का पूरा वातावरण है, उधर क्या लीला होने वाला है, कृष्ण के साथ गोपियों से रास होने वाला है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत पुण्यवान लोग हैं जो कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए उत्सुक है, वो सब अभी एकत्रित हुए हैं, अभी वो भक्ति का रस को आस्वादन करने के लिए इधर सब लोग एकत्रित हुए हैं। अपनी दयनीय भाव को व्यक्त करते हैं रूप गोस्वामी पाद वापस और एक श्लोक में कहते हैं, हे महान भक्त सुनो, अभिव्यक्त्या मत्त प्रकृति लघु रूपादपि बुधा, मैं एक लघु हूँ, रूपादपि बुधा, आप बड़े महान लोग हो लेकिन मैं एक छोटा सा एकदम क्षुद्र व्यक्ति हूँ। विधात्री सिद्धार्थम हरिगुणमयी वह कृतिम कृतिर्यम, मैं इस कृति को वर्णन करना प्रारंभ कर रहा हूँ, कृष्ण के गुणों को वर्णन करने वाला जो कृति है उसको वर्णन प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरे पास कोई क्षमता नहीं, इसलिए मैं आपसे याचना करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो। और मैं जीवन का लक्ष्य क्या है वो भी नहीं जानता हूँ, ऐसा तुच्छ व्यक्ति हूँ, भले ही मैं नीच हूँ, मेरा पूरा विश्वास है कि आपका अगर आशीर्वाद है मेरे हृदय में सारा कलमश दूर हो जाएगा और मेरे हृदय में कृष्ण लीला प्रकट होगा, ये ग्रंथ में वर्णन कर सकता हूँ। हिरण्यम श्रेणी नाम अपराधी नान्तक कलुषताम, श्रेणी नाम जितने भी हिरण्य श्रेणी नाम सारे जितने भी जो सोना है, सोने को आप चमका सकते हो ना, वैसे ही आपके जो संगति से मेरा हृदय जो है उसके अंदर सारा जो कलमश दूर हो जाएगा और सुंदर कृष्ण लीला जो है वो प्रकट हो सकता है। राय कहे, राय रामानंद ने पूछा, कह दे कि प्रेमोत्पत्ति कारण, हाँ प्रेम का उत्पत्ति का कारण बताओ, पूर्व रागे विकारा चेष्टा कामा लिखाना, तो इसके बारे में वर्णन करो इन सब चीज़ों के विषय में, हाँ पूर्व राग के विषय में, विकार के विषय में, चेष्टा के विषय में, काम लेखन के विषय में वर्णन करो। तो क्रमेण एक 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 करके रूप गोस्वामी पर बड़ा अद्भुत अद्भुत लोगों को ये बातें इसलिए चैतन्य चरितार्थ में लिखा गया है कि परिचय दिया जा रहा है, हमारे आचार्यों ने कितना अद्भुत हमको कृष्ण लीला का जो भंडार है हमको दिया है ग्रंथों में, अपने आचार्यों अपने ग्रंथों में। क्रमे रूप गोस्वामी क्रम में एक एक करके सुनाना प्रारंभ किया, सुनी प्रभुरा भक्त गणला चमत्कार भैला, सारे भक्त चमत्कृत हो गए। अभी पहला विदग्ध माधव का तो दूसरा अध्याय का नवा श्लोक सुनाते हैं जिसके अंदर पूर्व राग का वर्णन हो रहा है। पूर्व राग क्या है? पूर्व राग वो है जो राधा कृष्ण का भी मिलन नहीं हुआ लेकिन फिर भी राधारानी के हृदय में जो प्रेम है, कृष्ण को मिलने की जो प्रेम है, मिलने की जो आतुरता है, उसको पूर्व राग कहा गया है। उस पूर्व राग का वर्णन इस श्लोक में कहते हैं विदग्ध माधव नामक ग्रंथ में, एकस्य श्रुतमेव लुम्बतिमतिं कृष्णेति नामाक्षरं सान्द्रोन्मादपरम्परामुपनयत् अन्यस्य वंशीकला, एषा स्निग्धघनद्युतिर्मनसि मे लग्नवते वीक्षणात् अष्टं दिक्पुरुषत्रये रतिरभूम मन्ये मृतिर्श्रेयसी। राधारानी अपनी सखी को कहती हैं, किसको कहती हैं, हे सखी सुनो, जब से मैं कृष्ण का नाम सुनी हूँ ना, तब से मेरा मति भ्रष्ट हो चुका है, पता नहीं क्या हो गया, मेरी मति काम नहीं कर रहा है। कृष्ण का नाम, कृष्ण के प्रति इतना आसक्ति हो चुका, पूछो मत, बाद में पता नहीं और एक पुरुष के विषय में मैं सुन चुकी हूँ, वो कौन है मालूम है, जो बंसी वाला है, एक व्यक्ति है जो बांसुरी बजाता है और ये बांसुरी का जो ध्वनि सुनने मात्र से मेरे मन पूरा पागल हो चुका है, उनको मिलने की, उनको आलिंगन करने की इतना तीव्र उद्वेग उत्पन्न हो गया है,
पता नहीं मेरा मन कितना दुष्ट हो चुका देखो। और एक व्यक्ति है जिनका जो स्वरूप इतना अद्भुत है, जिनका जो चित्र मैं जब देखती हूँ उनके शरीर से ऐसी अद्भुत कांति निकलती है, वो कांति को देखते ही मैं बेहोश हो जाती हूँ। मेरा कितना दुष्ट मन देखो। हाँ, कष्टम दृक् पुरुषत्रये, मेरे मन जो है तीन पुरुषों के प्रति आकृष्ट हो गया। वैसे तो तीनों एक ही है, लेकिन नारायण क्या कहती है, एक कृष्ण का नाम है, पता नहीं कौन है, वो नाम सुनते हुए पागल हो चुकी हूँ। दूसरा पता नहीं किसी ने बांसुरी बजाया है, वो धुन सुन के उसके प्रति भी आसक्ति हो गई मुझे। और तीसरा पता नहीं कौन सा स्वरूप है, उनके शरीर से ऐसा अद्भुत कांति निकल रहा है, वो कांति को देख के मैं क्या हो चुकी हूँ, मदमत हो चुकी हूँ। सखी सुनो, मेरा तीन तीन पुरुषों से प्रेम हो चुका है, तीन तीन पुरुषों से आसक्ति हो चुका है, क्या कहूँ, ऐसी स्थिति है मेरा मन का, ऐसी मेरी मन की स्थिति है। रति रभुम पुरुषत्रये रति रभुम, इससे अच्छा कि ऐसी जीने से अच्छा हे सखी मृत्युर श्रेयसी मन्ये मृत्युर श्रेयसी। राधारानी क्या कहती है, इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। यह राधारानी के हृदय में कृष्ण प्रेम का उन्माद का अलग वर्णन हो रहा है। पूर्व राग में अभी कृष्ण से मुलाकात नहीं हुआ ना, लेकिन उनके मन में ऐसा लग रहा है कि तीन अलग अलग लोग हैं, तीन एक ही व्यक्ति है भाई। यम सखी सुदुस्सहा राधा हृदय वेदना। मेरे सखी सुनो, ये राधारानी के हृदय में इस प्रकार की वेदना है, कौन उनको पूरा क्योर कर सकता है, कौन उनको शांत कर सकता है। हाँ, भले उसके ऊपर कितना भी दवाई दो, ये दवाई जो है वो काम करने वाला नहीं है। तो वैसे ये अलग अलग भावों को व्यक्त किया जा रहा है। और एक श्लोक सुनाता हूँ विदग्ध माधव का। ये मुखरा कहती हैं अपने जो कृष्ण के मित्र हैं, उनकी मित्र के वो दादी है, किसके साथ, पौर्णमासी के साथ उनका चर्चा हो रही, जो वृद्ध माता हैं जब मिलते हैं ना, जो बुढ़ी लोग मिलते हैं, क्या चर्चा होती देखो। और पौर्णमासी कोई और नहीं, मधुमंगल की वो ग्रैंड मदर है। वो क्या कहते हैं, अग्रे वीक्ष शिखंड कंडनम अचिरात् उत्कंपनम आलंबते गुंजानाम च विलोकनाम मुहुरसो साश्रम परिक्षोरति नौ जाने जनयन्न पूर्व नटन क्रीडा चमत्कारितम बाल्याः किल चित्त भूमि भविष्यत् कोयम् नवीन ग्रह। तो ये कहती हैं, देखो मैं नजर रखती हूँ राधारानी के ऊपर, ये जो बालिका है राधारानी, राधे क्या करती मालूम है, जैसे कोई एक मोर पंख को दर्शन करती हैं हाँ, तो उनका पूरा शरीर कंपन होने लग जाता है। कभी कभी एक गुंजा माला को दर्शन करती हैं, उनकी आंखों में से आंसू बहना शुरू हो जाता है, और जोर जोर से रोना शुरू कर देती हैं। ये पता नहीं कि क्या लक्षण है, पता नहीं लग रहा है मुझे हाँ? कौन है व्यक्ति जिसके ये जो राधे के हृदय में प्रवेश कर लिया है हाँ? तो निश्चित रूप में ये कोई दुष्ट व्यक्ति होगा ये कोई दुष्ट व्यक्ति होगा हाँ? बाल्या केला चित्ता भूमि अभिशात कोयम नवीन ग्रह, ये नया कुछ ग्रह आया है। वैसे तो नौ ग्रह होता है ना, ये दशमक ग्रह कोई आया है। ये इस बालिका के हृदय में बैठ गए, ये नृत्य कर रहा है, इसकी हालत खराब कर चुका है। तो जब से ये मोरपंख को देती है तो बहुत पूरा शरीर कंपन हो जाता है। तो ये राधा कृष्ण प्रेम का जो वर्णन करने वाला अद्भुत, तो एक राधारानी कृष्ण विरह को अनुभव करते हुए एक सखी को कहती हैं, विशाखा सखी को कहती हैं, देखो हे विशाखे सुनो, अकारुण्य कृष्णो यदि मयि तवागत कथमिदं
मुदा मारोदिर्मे कुरु परम इमं उत्तर कृतिम तमालस्य स्कंदे विनिहित भुजवल्लवीर्यम यथा वृंदारण्ये चिरम विलिचा अविचिला अविचला तिष्ठति तनु। राधारानी के हृदय में प्रेम की बात देखो कृष्ण प्रति क्या कहते हैं। हाँ, आकारुण्य कृष्ण के हृदय में करुणा नामक चीज़ तो है ही नहीं। यदि मई तवाघ कतम इदम, अगर मेरे प्रति मेरे हृदय में पाप की वजह से ये जो कृष्ण जो है मेरे प्रति कोई दया दिखा नहीं दिखाता होगा, उसकी वजह से क्या होगा, मैं अपने प्राणों को मान लो त्याग कर चुकी। मेरे लिए रो मत तुम, मेरे लिए तुम रो मत, क्योंकि ये तुम्हारा कोई दोष नहीं है। किसी का दोष की वजह से मैं अपनी प्राणों को त्याग नहीं कर रही हूँ, मेरी ही दोष है। मैं कृष्ण के विरह को एक और एक सेकंड भी अनुभव नहीं कर सकती हूँ अगर उनके अकारुण्य की वजह से अगर नहीं आप अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी। तुम मेरे लिए एक अच्छा काम कर देना मेरे लिए। क्या कहती है, मुदा मारोदे में कुरु परमिदाम उत्तर कृतिम, मेरे लिए एक हित करो। मेरे उत्तर क्रिया, उत्तर के बाद मृत्यु के बाद श्राद्ध होता है ना, अंतिम संस्कार होता है ना, मेरा अंतिम संस्कार ऐसा करना। राधे कहती विशाखा को, अंतिम संस्कार कैसी करोगी, तमालस्य स्कंदे, मेरे शरीर को जो है ना तमालस्य स्कंदे, तमाल तमाल वृक्ष है ना, उसके वृक्ष के साथ ऐसे मेरे शरीर को ऐसे लपेट लो। हाँ, भुजवल्लवीर्यम, जैसे एक बड़ा स्कंद होता है ट्री का, वृक्ष का, और उसके लता कैसे चारों बाजू ऐसी ऊपर चढ़ने के लिए आलिंगन किया हुआ रहता, वैसे मेरे शरीर एक लता हो जाएगी। वो तमाल स्कंद, तमाल कौन है, कृष्ण है। तमालस्य स्कंदे विहित भुजवल्लवीर्यम यथा वृंदारण्य, तो क्या फ़ायदा उससे, ताकि वृंदारण्य वृंदावन में चिरम अविचला तिष्ठति तनु, मेरे शरीर जो है कैसे रहेगी वृंदावन में, अचिरात अचिर काल तक, चिर काल तक जो है वो इस वृंदावन में मेरा शरीर रहे। तुम देखो आखिरी श्लोक सुनाता हूँ। राय कहे कहो देखी भावे रसभाव रूप कहे ऐचे हय कृष्ण विशाख या विशाख या भाव। रूप गोस्वामी कह रहे हैं ये कृष्ण का प्रति ये जो प्रेम का स्वभाव है मैं आपको सुनाता हूँ, और एक श्लोक सुनाते हैं। पीड़ाद्दिर्नवका कुता कुता गर्वस्य निर्वासनो निस्यन्देन मुदान सुदमधुरिमा मधुरिमाहंकार संकोचना प्रेमा सुंदरी नंदनंदन परो जाग्रति यस्यांतरे ज्ञायन्ते जायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुरास्ते नैव विक्रांतया। हे मेरे ये वर्ष ये जो श्लोक है विदग्ध माधव से हैं, ये पौर्णमासी ने इस श्लोक को कहा। ये श्लोक सुन के समाप्त करते हैं आज का सत्र को, जहाँ मेरे जो प्रिय मित्र हैं, सुंदर मित्र हैं, मैं अगर कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर चूँ, जो नंद महाराज के पुत्र हैं, ये प्रेम दो लक्षणों को प्रकाशित करता है। एक मीठा भी प्रसाद, मीठा अनुभव भी होता है, और साथ साथ में कड़वा भी अनुभव कराता है, दोनों। ये कृष्ण प्रेम का स्वभाव है, ये मिठास भी है उसके अंदर कड़वापन भी है। कैसे, मिठास किस में है, मिलन में मिठास है और विरह में कड़वापन है। ये जो दो प्रकार का अनुभवों को जो हृदय में प्रकट हो रहा है, ये किस प्रकार का है, जो एक सर्प है, सर्प का जो जहर है
वो जहर से भी ये जो दुख है वो बहुत तीव्र है। कृष्ण विरह का जो दुख है जहर का सर्प का जहर से भी तीव्र है। और सुख क्या है, वो सुख किस प्रकार का है? स्वर्ग का जो अमृत है उससे भी अद्भुत है वो सुख है। ये पता नहीं कृष्ण प्रेम का लक्षण क्या है, ये एक ही समय वो भयानक दुख देता है और एक ही समय धम अद्भुत आनंद को भी प्रदान करता है। तो ऐसे अद्भुत श्लोकों वाले विदग्ध माधव का परिचय रूप गोस्वामी पाद देते हैं। अनेकों अनेकों श्लोक हैं लेकिन आज हमको ये अध्याय को हम इधर ही पूरा करेंगे। अंततः चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद देके रूप गोस्वामी पाद अभी निकल पड़ते हैं वापस वृंदावन की ओर और ये दो अद्भुत ग्रंथों को हमको प्रदान करते हैं। अंततः कल हम शाम को सनातन गोस्वामी पाद का आगमन जगन्नाथपुरी में और उनका और चैतन्य महाप्रभु का जो लीला जिसके अंदर सनातन गोस्वामी पाद अपने प्राणों को त्याग करने के लिए सिद्ध हो गए थे क्योंकि कुष्ठ रोग हो गया था, बहुत भयानक रोग हो गया था। उन्होंने सोचा कि मैं अपना शरीर को नीचे डाल दूंगा, कहाँ रथ के नीचे डाल के अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा। लेकिन महाप्रभु समझ गए, कहा हे सनातन क्या कर रहे हो तुम, चोर हो। क्यों चोर कहते सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु, उसका चर्चा हम कल शाम को करेंगे। और सुबह के समय में महाप्रभु के प्राकृतिक जो अंतरंगिक कारण बहिरंगिक कारण अंतरंगिक कारण है उसका चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।